गाइस टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस इज बेसिकली अ फैंसी नेम फॉर इट्स ठीक है इट्स अ फैंसी नेम फॉर सुपरपोजिशन इट्स अ फैंसी नेम फॉर सुपर पोजिशन वेव्स में सुपर पोजिशन पढ़ा था किसी को अगर याद आ रहा है तो कि एक वेव जा रही है रस्सी में फिर एक और वेव जा रही है रस्सी में फिर एक और वेव जा रही है मान लो रस्सी में और और क्या कहता था सुपर पोजिशन की वाई एक्स इसमें डिसमेंट इज नथिंग बट वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री ये याद आ रहा है गोज ऑन एवरीबडी समझ में आया कि नहीं आया ये किसी को याद आ गया नहीं आ गया इंटरफेरेंस सुपर पोजिशन में रादर सुपर पोजिशन में यही करते थे हम कि अगर किसी मीडियम में किसी मीडियम में कई वेव्स एक साथ जा रही हैं या पल्सिस जा रही हैं फॉर दैट मैटर वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर देते थे वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर देते थे एंड कहते थे कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल पल्स और वेव इज दैट फाइन इसके अंदर ये भी याद आ रहा ये रिकप कर रहा हूं मैं ये रिकप कर रहा हूं ये इलेवंथ क्लास में वेव्स में पढ़ा होगा हाँ या ना अगर किसी को रिकेप में याद आए तो बता देना मुझे एक केस वन होता था केस वन होता था स्टैंडिंग वेव का केस वन होता था स्टैंडिंग वेव का स्टैंडिंग वेव के केस में क्या होता था कि एम्पलीट्यूड सेम होता था फ्रीक्वेंसी सेम होती थी एंड डायरेक्शन अपोजिट होती थी डायरेक्शन अपोजिट होती थी तो एक इक्वेशन हो जाती थी हमारे पास ए साइन ओमेगा ये हो गई राइट ट्रेवलिंग वेव और दूसरा हो गया, गया मान लो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स ये हो गया लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव और उससे आ जाएगा दोनों के सुपर पोजिशन से ये वाई वन हो गया ये वाई टू हो गया वाई हो जाएगा टू ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स और इससे बन जाएगा टू ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी ये एम्पलीट्यूड का रोल प्ले करता था ये साइन ओमेगा टी एसएचएम का रोल प्ले करता था और यहां पे क्या होता था रस्सी के कुछ पॉइंट्स नो एंटी नोड्स बन जाते थे और कुछ पॉइंट्स नोड्स बन जाते थे और वो रस्सी कभी तो ऐसे होती थी कभी ऐसे होती थी इज दैट फाइन ये स्टैंडिंग वेव का केस होता था तो ये बेसिकली क्या हो गया सुपर पोजिशन का वन स्पेशल केस हो गया ये सुपर पोजिशन का क्या हो गया वन स्पेशल केस हो गया और अगर इसके बारे में जानना है तो रीड रीड विद चैप्टर वेव्स केस टू अब किसी को याद आने लगा हो तो बता दो भाई केस टू क्या होता था सेम एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एक ओमेगा वन हो गया एक ओमेगा टू हो गया या एक एफ वन हो गया माइनस एफ टू हो गया ये स्मॉल है ये स्मॉल है ये कौन सा केस था बीट्स बीट्स वाला केस था बिल्कुल सही तो ये बेसिकली मैंने हल्का सा क्या कराया रीकैप कराया अब भूमिका बन गई तो वी कैन स्टार्ट ऑफ विद इंटरफेरेंस वी कैन स्टार्ट ऑफ विद इंटरफेरेंस okay. तो लिखना क्यों नहीं लिखना है भाई जब मैंने लिखवा दिया तो लिखना है क्या हुआ लक्ष्य बेटा थार, थार। क्या सही बताओ दो ही केस थे मैंने तो इलेवेंथ में तीन केस कराए थे तुम्हें तो 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 याद नहीं थर्ड केस बिल्कुल तो भी नहीं आता तो मुझे तो ये भी, भी नहीं याद तुम्हें ये भी याद नहीं है मतलब चुल्लू पर पानी होता है ना उसमें कूद जाओ पिछले साल पढ़ा था सर वो भी एकदम लास्ट में हाँ सर मुझे तो बिल्कुल नहीं याद है एक केस ये भी कराया था मैंने डिफरेंट एम्प्लीट्यूड डिफरेंट एम्पलीट्यूड ए वन हो गया ए टू हो गया बट सेम फ्रीक्वेंसी एंड अपोजिट डायरेक्शन ये एक स्पेशल केस था क्वेश्चन के रूप में कराया था इट वॉज अ सुपर पोजिशन ऑफ अ स्टैंडिंग वेव एंड अ ट्रेवलिंग वेव क्योंकि इसमें नोड्स एंटी नोड्स भी बन रहे थे और नोड वाला पॉइंट रेस्ट पे नहीं था नोड वाला पॉइंट खुद घूम रहा था और इसमें हमारा क्या बोलते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड ए वन माइनस ए टू बनता था और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए वन प्लस ए टू बनता था बीट्स होता था बीट फ्रीक्वेंसी होती थी एफ वन माइनस एफ टू इज बीट फ्रीक्वेंसी ये वाला कह रहे हो ना क्यों होता था? वो याद आ रहा। बेटा अगर मैं ये बताने बैठ गया ना स्लाइटली डिफरेंट क्यों होता था तो अगला आधा घंटा मुझे बीट समझाने में चला जाएगा चला जाएगा नहीं चला जाएगा ठीके, ठीके। या ये केस थ्री समझाने बैठ गया तो पंद्रह मिनट इसमें लगेंगे और स्टैंडिंग वेव को पूरा समझाने बैठ गया कि नोड कहाँ बनते थे एंटी नोड कहाँ बनते थे ये याद है तो वही मैं कह रहा हूं ना मैं इस चक्कर में जाना ही नहीं चाहता मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता था कि सुपर पोजिशन का एक नया नाम हो गया इंटरफेरेंस तो इंटरफेरेंस में कुछ नहीं कर रहे सुपर पोजिशन कर रहे हैं ठीक है थीके? तो अब मैं इंटरफेरेंस तो अब चालू हो रहा है तो इंटरफेरेंस चालू कर लेते हूं बेटर रहेगा इंटरफेरेंस मेरे पास एक सोर्स है एस वन मेरे पास एक और सोर्स है एस टू ये एस वन पूरी दुनिया में वेव्स भेज रहा है ये एस टू पूरी दुनिया में वेव्स भेज रहा है भेज रहा है। एवरीबॉडी और ये एक पर्सन है पी ये कह रहा है कि मैं देखूंगा क्या हो रहा है मतलब बाय क्या हो रहा है ये कहना चाह रहा है कि S1 से वेव आई और ये एस टू से वे वाई मैं इन दोनों के सुपर पोजिशन को देखना चाहूंगा पॉइंट पी पे क्या देखना चाहूंगा सुपर पोजिशन एट पॉइंट पी ड्यू टू ड्यू टू वेव फ्रॉम वेव फ्रॉम एस वन एंड वेव फ्रॉम एस टू अब यहां पर मैं बता रहा हूं ये इंटरफेरेंस को स्टडी कर रहे हैं हम, सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज की टेक्निकल डेफिनेशन में बाद में बताऊंगा जिसमें दो कंडीशन लगती हैं. फॉर द टाइम बिग ये के चलो कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जिनका सेम फ्रीक्वेंसी होता है क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज सेम फ्रीक्वेंसी हालांकि अगर आंसर में तुम सेम फ्रीक्वेंसी कभी लिख के आ गए तो एक नंबर कट जाएगा दो नंबर में से क्योंकि ये आधी डेफिनेशन है बट ठीक है फॉर द टाइमिंग चलेगा कोहेरेंट सोर्सेज आर सोर्सेज विद सेम फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा सेम हां ना और हमारा सी सी डिपेंड करता था मीडियम पे सी डिपेंड करता था मीडियम पे और k क्या होता था ओमेगा बाय सी वेव इक्वेशन में तो कोहेरेंट सोर्स है तो ओमेगा सेम मीडियम सेम तो सी सेम तो के भी सेम ले लेना तो ऐसे मान सकते हैं कि ये जो वेव भेज रहा था ये कैसी वेव भेज रहा था ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव एस वन ये कैसी वेव भेज रहा था ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव एस टू इज दैट फाइन ये एक सोर्स हो गया दोनों सोर्स को है दोनों का ओमेगा सेम हो गया क्योंकि मीडियम सेम में चल रहे थे के भी सेम हो गया क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम दोनों पे डिपेंड करेगा के इज दैट फाइन फाइव एस वन क्या हो गया एनी बड़ी फाइव एस वन क्या है फाइव एस वन को मैं कह सकता हूं initial phase of source one, it is initial phase of source one, and phi s two क्या हो गया initial phase of source two. अब मुझे S one से आने वाले wave और S two से आने वाले wave दोनों के इंटरफेरेंस की बात करनी है या सुपर की बात करनी है तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये डिस्टेंस दिया होगा सपोज दिस डिस्टेंस इज एक्स वन एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स टू और यह क्या चीज होता है ये होता है वाई वन ये हो गया से वाई टू तो अगर हमें वाई पे पी पॉइंट पे एड करना है पी पॉइंट पे ऐड करना है तो कहना है वाई एट पी इज टेक्निकली वाई वन एट पी प्लस वाई टू एट पी वाई वन एट पी में क्या कर देना लोकेशन एक्स वन पे चेक कर रहे हो ना ये लिख सकता हूं ये वैल्यू हो जाएगी ना वाई वन एट पी की और यहां पर वाई टू एट पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर एक्स की जगह एक्स टू लिख दूंगा ना लोकेशन एक्स टू पे देख रहे हैं। is that fine or not? तो क्या हम ये कह सकते हैं वाई एट सॉरी ए क्यों लिख रहा हूं ये पी है वाई एट पी इज वाई वन एट पी प्लस वाई टू एट पी सो दिस विल बी ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव एस वन प्लस ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइव एस टू अब चाहें तो ये कह सकते हैं इस पूरी क्वांटिटी को कह सकता हूँ से कुछ भी बोल दो थीटा वन बोल दो इस पूरी क्वांटिटी को कह सकते हैं सपोज से थीटा टू बोल दो थीटा वन हो गया पहले वाली वेव का फेज एट पी और थीटा टू हो गया दूसरे वाली वेव का फेज एट पी क्या मैं ये कह सकता हूं डेल्टा थीटा एट पी डेल्टा थीटा एट पी कैन बी डिफाइंड एज थीटा वन माइनस थीटा टू ये फेज डिफरेंस हो गया ये हो गया फेज डिफरेंस दिस इज योर फेज डिफरेंस एट पी फेज डिफरेंस एट पी को बोल सकते हैं थीटा वन माइनस थीटा टू ये कितना बनेगा टी वाली टर्म कट जाएगी टी वाली टर्म कट जाएगी ये वाली टर्म कट जाएगी ये बन जाएगा माइनस के एक्स वन माइनस माइनस प्लस के एक्स टू प्लस फाइव एस वन माइनस फाइव एस टू तो हम ये कह सकते हैं फेज डिफरेंस एट पी फेज डिफरेंस एट पी के एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस फाइव एस वन माइनस फाइव एस टू इसको हम लिख सकते हैं के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाइव एस इसे लिख सकते हैं टू पाई बाय लेमडा टू पाई बाय लेमडा इन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा थीटा एट पी बेटा खतरनाक वाला तुम्हें रटवाना पड़ेगा गाइस क्या करना पड़ेगा रटवाना पड़ेगा फेज डिफरेंस एट पी फेज डिफरेंस एट पी इज गिवन बाय टू पाई बाय लैमडा डेल्टा एक्स को लिख दो पाथ डिफरेंस एट पी इसको लिख दो पाथ डिफरेंस एट पी प्लस इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज प्लस इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज दिस इज योर फेज डिफरेंस एट पी अब तुम्हें शायद फील भी आ रही होगी कोहेरेंट सोर्सेज क्यों लिए थे कोहेरेंट सोर्सेज इसलिए लिए थे कि फेज डिफरेंस एट पी डज नॉट चेंज विद डज नॉट चेंज विद टाइम डज नॉट चेंज विद टाइम इफ द सोर्सेज आर कोहेरेंट सही है कि नहीं है क्या समझ में आया अरे भाई ओमेगा टी वाली टर्म कट गई ना ओमेगा टी वाली टर्म कट गई जब तुम फेज डिफरेंस निकाल रहे थे हाँ या ना अदरवाइज तो बड़ी दिक्कत आती फेज डिफरेंस एट पी दोनों दोनों वेव्स के बीच में टाइम के साथ चेंज होता रहता वन सेकंड पे अलग है टू सेकंड पे अलग है थ्री सेकंड पे अलग है ऐसा नहीं चाहिए था हमें हमें चाहिए था स्टेबल फेज डिफरेंस रहे किसी पॉइंट पे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं दुनिया में कोई और पॉइंट ले लेता अगर मैं दुनिया में सपोज ये पॉइंट ले लेता तो मैं कहता भाई यहां से कुछ वेव आई यहां से कुछ वेव आई यहां पर जो फेज डिफरेंस होगा ना इस पॉइंट पे वो एक तो पाथ डिफरेंस पे डिपेंडेंट होगा और एक इनिशियल फेज डिफरेंस पे डिपेंडेंट होगा और वो टाइम के साथ चेंज नहीं रहेगा वो हमेशा टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा गाइस गॉट इट और नॉट कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं आया यस yes, आगे बढ़े आगे बढ़े होल्ड करो एक सेकेंड हेलो गाइस अब तक का लिख लिया सो yes, so, आगे मैं क्या पढ़ा रहा था आई शुड स्टार्टेड विद द रिजल्ट ओके बट नो लेट्स सी वेयर द रिजल्ट कम्स फ्रॉम मैंने कहा था वाई एट पी क्या हो रहा था वाई एट पी हो रहा था ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव एस वन प्लस ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइव एक्स टू ठीक है उसके बाद मैंने कहा था ये है थीटा वन और ये है थीटा टू और डेल्टा थीटा कांस्टेंट है वो है थीटा वन माइनस थीटा टू सो चाहूं तो और ये चीज कांस्टेंट है ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है अब मैं ये कह सकता हूं ये हो जाएगा ए वन साइन थीटा वन ही रख लो इसे दूसरे वाले को लिख दो ए टू साइन थीटा एक काम करते हैं इस थीटा वन को ही चेंज कर दो अच्छा लगेगा थीटा वन को लिख दो थीटा टू प्लस डेल्टा थीटा प्लस ए टू साइन थीटा टू लिख दो सही है एवरीबॉडी बेसिकली इसको ऐड कर रहे ना ए वन साइन थीटा वन प्लस ए टू साइन थीटा टू और फिर मैंने कहा एक थीटा को रिप्लेस कर दिया डेल्टा थीटा के टर्म्स में तो मैंने कह दिया थीटा वन को लिख दिया थीटा टू प्लस डेल्टा थीटा ए वन साइन थीटा टू कॉस डेल्टा थीटा प्लस ए वन कॉस थीटा टू साइन डेल्टा थीटा प्लस ए टू साइन थीटा टू ये हो जाएगा ए वन कॉस डेल्टा थीटा प्लस ए टू साइन थीटा टू प्लस ए वन साइन डेल्टा थीटा इंटू कॉस थीटा टू ठीक है इसको बोल दो सी इसको बोल दो डी तो ये बन गया सी साइन थीटा टू प्लस डी कॉस थीटा टू इसको फैक्टराइज कर देते हैं इसको फैक्टराइज कर देते हैं इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं रूट ऑफ सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेर से तो ये आ गया सी अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेर साइन थीटा टू प्लस डी अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर कॉस थीटा टू इस वाली क्वांटिटी को बोल दो कॉस एल्फा तो ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी साइन एल्फा तो ये बन जाएगा रूट ऑफ सी स्क्वेर प्लस डी स्क्वेयर साइन थीटा टू प्लस एल्फा और यह बन जाएगा रूट ऑफ सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साइन थीटा टू प्लस टेन इनवर्स डी बाई सी दिस इज वाई एट पी गैस कैसा लगा कुछ कुछ वेव्स में भी किया था ना ऐसा पता ही नहीं कितनी बार किया है गाइस <coughs> समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है सर बच्चे सोच रहे हैं सब याद रखना होगा कुछ याद नहीं रखना होगा डोंट वरी फॉर्मूले याद नहीं करने? अरे मैं अभी करते जा रहे हैं। मेरे पहली बात तो मुझे याद नहीं तो मैं पता है मैं सॉल्व कर रहा हूं, लिटरली। ठीक है। मुझे कुछ कुछ याद है वो बताता क्या 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 याद है। तो y, at p, हो y at p हो जाएगा y इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये हो जाएगा ए वन स्क्र कॉस स्क्ल्टा थीटा प्लस ए टू स्क्न एस डेल्टा थीटा प्लस ए वन स्क्वेर साइन स्क्वे डेल्टा थीटा तो वाई एट पी का फॉर्मूला बनेगा अंडर द रूट ऑफ ए वन स्क्वेर प्लस ए टू प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा थीटा सही है पहली टर्म तो ये बन गई और दूसरी टर्म बन गई साइन थीटा टू थीटा टू था ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइव एस टू प्लस टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स डी बाई सी डी हो गया ए वन साइन डेल्टा थीटा अपॉन ए वन कॉस डेल्टा थीटा प्लस ए टू इज दैट फाइन इसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि क्या याद हुआ हमें कुछ याद नहीं हुआ अभी देखते हैं क्या याद हुआ कलर चेंज करते हैं बेटर रहेगा है। हाँ हमें यह याद हुआ कि अगर ये एक सोर्स है एस वन ये एक सोर्स है एस टू किसी पॉइंट पी पे हम स्टडी कर रहे हैं यहां से डिस्टेंस है इसका एक्स वन यहां से इसका डिस्टेंस है एक्स टू इस सोर्स की इनिशियल फेज है एस वन। इस सोर्स की इनिशियल फेज है फाइव एस टू तो हम ये कह सकते हैं फेज डिफरेंस एट पी क्या होगा ये याद करना है इसका मतलब फेज डिफरेंस एट पी कितना होगा टू पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स ये हो गया पाथ डिफरेंस ये पाथ डिफरेंस हो गया एक ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया माइनस दूसरे ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस डेल्टा फाइव एस वन एस टू बोल दो ये हो गया इनिशियल फेज डिफरेंस फाइव एस वन माइनस फाइव एस टू यहां तक भी सही है और P पॉइंट पे क्या हो रहा है P पॉइंट पे टेक्निकली एस एच एम हो रहा है P पॉइंट पे टेक्निकली एस एच एम हो रहा है क्योंकि दिस इज इक्वेशन ऑफ एस एच एम है ना क्योंकि दिस इक्वेशन इज नथिंग बट एस एच एम की इक्वेशन दिस इज नथिंग बट एस एच एम की इक्वेशन क्या इक्वेशन है ये ये है ए साइन ओमेगा ऐसी तो इक्वेशन है भाई ये सारी चीज तो कांस्टेंट है ये ओमेगा टी है तो इसका मतलब पी पे क्या हो रहा है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया पी पॉइंट पे एस एच एम हो रहा है जिसका एम्पलीट्यूड ए है जिसका एम्पलीट्यूड ए है इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड भी रटना पड़ेगा कि एट पी इज गिवन बाय रूट ऑफ ए वन स्क् प्लस ए टू प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा थीटा तो एक चीज तो ये याद करिए दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी तुम्हें पूरी एक्सरसाइज से हाँ या ना ओके ओके व्हाट आर वी गेटिंग राइट हियर वी आर सेइंग आई एम सेइंग रादर कि सो, दो सोर्स थे उनके कारण किसी पॉइंट पी पे दुनिया में सुपर पोजिशन हो रहा है पी पॉइंट पे क्या हो रहा है एस एच एम हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड हमारा एन स्क्तर प्लस टू एन ए टू कॉस डेल्टा थीटा है का अंडर द रूट है कॉस डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा हो गया फेज डिफरेंस एट पी जो कि स्टेबल है फेज डिफरेंस एट पी क्या है स्टेबल है इन द सेंस कि वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट नहीं कर रहा हो कि वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट नहीं कर रहा एंड दैट वुड ओनली बी पॉसिबल दैट वुड ओनली बी पॉसिबल व्हेन इट इज कोहेरेंट सोर्स देर है ना ये नहीं है ये फाइ अलग चीज है सोचो मैंने क्या लिखा है मतलब तुम तो अच्छे वाले कंफ्यूज हुए तुमने तो मतलब इनिशियल फेज तो, तो सर आपने देखे ये, देखे तो ये तो, तो ये चीज है भी? ये चीज है फाइ ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है डेल्टा थीटा तो ये है ये और ये चीज सेम है जस्ट गो थ्रू द डेरिवेशन टू थ्री टाइम्स समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं प्रॉब्लम क्या है जनरली जब बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं या कोई कोचिंग वाला भी पढ़ा रहा है तो वो क्या करते हैं वो यहां से शुरू करते हैं इस लाइन से स्टार्ट करते हैं कि बेटा फेज डिफरेंस एट पी क्या होगा टू पाई बाय इन टू पाथ डिफरेंस प्लस इनिशियल फेज डिफरेंस और एम्पलीट्यूड एट पी क्या होगा

एक काम कर देते हैं स्क्रॉल कर देते हैं अब अच्छा लगा यह सोर्स वन था यह सोर्स टू था ये पॉइंट पी था, था यहाँ से वेव गई यहाँ से वेव गई तो पी पॉइंट पे हम कहेंगे फेज डिफरेंस हो जाएगा एट पी टू पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाइव एस वन एस टू डेल्टा फाइव एस वन एस टू हो जाएगा फाइव एस वन माइनस फाइव एस टू और ये हो गया पाथ डिफरेंस एट पी और एम्पलीट्यूड एट पी क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड एट पी हो जाएगा रूट ऑफ ए वन स्क्वेर प्लस ए टू स्क्वेर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा थीटा प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा थीटा ये हो गया तुम्हारा एम्पलीट्यूड एट पी यहां तक का समझ में आ गया सर हम्म हम जिन पॉइंट्स को ले रहे थे वो हमने मान के चले थे हैं हाँ, तो इसका मतलब इसका भी ओमेगा सेम है इसका भी ओमेगा सेम है पॉइंट्स um, को लेके दो अलग अलग सोर्सेज हैं लेकिन कोहेरेंट है मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, okay. सेम है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है दोनों का टाइम पीरियड सेम, सेम है तो दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है और मीडियम सेम में चल रही है तो सी सेम हो जाएगा के सेम इस बेसिस पे कहा था मैंने कि के होता है ओमेगा इज व्हाट बेसिकली सी टी तो वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन बोथ द मीडियम एंड सोर्स तो आल्सो सेम एवरीथिंग इज इन द सेम मीडियम तो के द सेम पक्का आया नहीं है समझ में याद इले, इलेवेंथ वाला तो याद होता ही नहीं है ट्वेल्थ के यहां तक आते आते <laughs> वो, वो क्या कह रहा था चैप्टर चैप्टर का एंड एंड वाले थे सब भूल गए ठीक है एम्पलीट्यूड हो गया अब पी पॉइंट पे टेक्निकली क्या हो रहा है एस हो रहा है पी पॉइंट पे एस हो रहा है अब दुनिया में दुनिया में

स्मॉल एम्प्लीट्यूड इज दैट फाइन हम ये कह सकते हैं जहां पर लार्ज एम्पलीट्यूड से एस एच एम हो रहा है दोज आर द पॉइंट्स ऑफ दोज आर द पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड जहां पर एम्पलीट्यूड वुड बी स्मॉल दे आर द द पॉइंट्स ऑफ इंटरफेरेंस. व्हाट कंडीशन? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो सकता है एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला इसका मतलब तुम्हें यह चीज याद होनी चाहिए और यह चीज याद होनी चाहिए ये सोर्स था एम्पलीट्यूड ए वन का यह सोर्स था एम्पलीट्यूड ए टू का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कॉस डेल्टा थीटा क्या होना चाहिए प्लस वन वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो जाना चाहिए ए वन प्लस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना हो जाना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन माइनस ए टू वहां पर हमारा कॉस डेल्टा थीटा कितना होना चाहिए माइनस वन इज दैट फाइन सबको चमका नहीं चमका यहां पर कंडीशन क्या होगी कॉस डेल्टा थीटा प्लस वन होना चाहिए तो डेल्टा थीटा होना चाहिए कॉस जीरो वन होता है, थ्री होता है, टू पाई। यहाँ पर कॉस डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा कितना हो जाना चाहिए टू एन प्लस वन पाई रादर ये कह दो इवन पाई और राधर ऑड पाई हा या ना एवरीबॉडी गॉट इट आया है समझ में नहीं आया है Guys, बता दो भाई अच्छा पॉइंट सोर्स के केस में याद आ रहे है? एक से दिखा रुपा कर दो। कर रहा है चलो लिखो लिखो पॉज कर देते हैं हाँ गाइज मैं क्या कह रहा था सो so, क्या बता रहा था मैं अरे स्टोरी भूल गया मैं तो स्टोरी कहती हाँ कंस्ट्रक्टिव मैं एक और चीज़ बताने वाला था मैं कह रहा था जो ये सोर्स है इसका एम्पलीट्यूड ए वन था इसकी इंटेंसिटी आई वन थी और जो ये सोर्स था इसका एम्पलीट्यूड ए टू था इसकी इंटेंसिटी आई टू थी तो याद आ रहा है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। किस किस को ये याद है इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल किसी को ये याद आ रहा हो तो फॉर्मूला भी था कि अगर पॉइंट सोर्स है पॉइंट सोर्स है तो हम ये कहते थे इंटेंसिटी इज टू पाई स्क्वेयर सीरो एफ स्क्वेर ए स्क्वेर इलेवेंथ क्लास में वेव्स चैप्टर में ये फॉर्मूला आया था याद आया तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि इन जनरल हमारे पास क्या बना इन जनरल हमारे पास बना कि एम्पलीट्यूड एट पी Amplitude at P was under the root of A1 square plus A2 square plus 2A1A2 cos delta theta. Can I also make a formula on intensity? Intensity at P would be proportional to ampli amplitude ka square na. So that will be I1 plus I2 plus 2 root I1I2. डेल्टा थीटा इज दैट फाइन ये जनरल बनाए हाँ या ना ये जनरल फॉर्मूला बनाए उसके बाद मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे होना था जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना था वहां पर डेल्टा थीटा हो जाना चाहिए ई वन पाई और वहां पर कॉस कॉस डेल्टा थीटा प्लस वन हो जाना चाहिए तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो जाएगा ए वन प्लस ए टू और इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी यहां पर इसको क्या लिख देना प्लस वन इसको प्लस वन लिख दोगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर इज दैट फाइन एवरीबॉडी गॉट इट जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पर डेल्टा थीटा हो जाएगा ऑड पाई वहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होना चाहिए ए वन माइनस ए टू आगे मॉड लगाना है मॉड लगा दो एंड इंटेंसिटी मिनिमम कितनी हो जाएगी रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर इज दैट फाइन एवरीबॉडी ये कंपाइलेशन बन गया रिजल्ट का जो अब तक मैंने इतनी देर तक पढ़ाया है उसका ये कंपाइलेशन है और क्या कह सकते हैं हम हम ये कह सकते हैं सोचने दो और क्या कह सकते हैं अब डेल्टा थीटा से मैं ज्यादा खुश नहीं हूं क्योंकि तुम्हें डेल्टा थीटा अकेला निकालते नहीं हो कभी डेल्टा थीटा क्या है डेल्टा थीटा था फेज डिफरेंस एट पी डेल्टा थीटा था फेज डिफरेंस एट पी दैट वाज टू पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाइव एस वन एस टू आई एम वरीड अबाउट कि डेल्टा एक्स में आंसर चाहिए लेकिन मैं ये कहूंगा डेल्टा छीटा अकेला डेल्टा एक्स पे डिपेंड नहीं करता वो इस पे भी डिपेंड करता है सेकेंड टर्म पे भी डिपेंड करता है तो सेकेंड टर्म के दो पर्टिकुलर केसेस ले लेते हैं सेकेंड टर्म के दो पर्टिकुलर केसेस ले लेते हैं क्या दो पर्टिकुलर केसेस हैं एक केस ले लिया हमने टू टू सोर्सेज आर एग्जैक्टली इन फेज़ टू सोर्सेज ये इसका केस वन हो गया केस वन हो गया टू सोर्सेज ये तो कोहेरेंट तो थे ही टू कोहेरेंट सोर्सेज लिखना चाहिए नॉट इनकंप्लीट टू कोहेरेंट सोर्सेज आर सपोज एग्जैक्टली इन फेज तो उस केस में मैं क्या कह दूंगा डेल्टा फाइव एस वन एस टू इज जीरो इस केस में फिर हम निकालेंगे पाथ डिफरेंस में कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की दे आर इन फेज इन फेज मीन की इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेज इज Zero. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए था इवन पाई होना चाहिए था तो टू एन पाई शुड बी टू पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा एक्स प्लस जीरो तो पाथ डिफरेंस कैसा आना चाहिए एन लेमडा जैसा आना चाहिए मतलब या तो जीरो आ जाए या लेमडा आ जाए या टू लेमडा आ जाए या थ्री लेमडा आ, आ जाए या माइनस लेमडा आ जाए माइनस टू लेमडा आ जाए ऐसा अगर पाथ डिफरेंस होगा दो सोर्सेज के बीच में दे आर एग्जैक्टली इन फेज तो क्या बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट फाइन फॉर एवरीबडी सपोज डिस्ट्रक्टिव के लिए करेंगे तो दैट शुड बी टू एन प्लस वन पाई शुड बी टू पाई बाई लैमडा इंटू डेल्टा एक्स प्लस जीरो तो हम कहेंगे डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा टू एन प्लस वन लेमडा बाई टू और रादर से ऑड लेमडा बाई टू ऑड ये हो गया माइनस लेमडा बाई टू माइनस थ्री लेमडा बाई टू माइनस फाइव लेमडा बाय टू और लेमडा बाय टू और थ्री लेमडा बाई टू और फाइव लेमडा बाई टू इस टाइप का बनेगा पाथ डिफरेंस तो हम क्या कहेंगे वहाँ पे क्या हो हो रहा होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस-किसको ये चमका है? ये बहुत पर्टिकुलर केस नहीं हो गया दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ लेमडा कंस्ट्रक्टिव के लिए डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ ड लेमडा बाई टू ऑड लेमडा बाई टू हाँ या ना अगर इसमें तुम कंडीशन को उल्टा करने की कोशिश करते हो कि सपोज ये कह देते हो तो यहां पर भी एक बार एक बहुत ये बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है कई बार

इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज इज एक्जैक्टली पाई एग्जैक्टली पाई या फिर इसको एक्जैक्टली वर्ड क्या यूज करेंगे दे आर आउट ऑफ फेज तो क्या कोई करके दिखा सकता है कि भाई कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस कैसा आएगा और डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस कैसा आएगा इस केस में करो खुद से खुद से करने का प्रयास करो कंडीशन एक्जैक्टली उल्टी तो नहीं हो गई कंडीशन उल्टी हो रही होगी बिल्कुल क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा डेल्टा थीटा हो जाएगा टू एन पाई कंस्ट्रक्टिव के लिए तो टू एन पाई होना चाहिए बट यहाँ पे हो जाएगा टू पाई बाई लैमडा इन टू डेल्टा एक्स प्लस इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्सिस को पाई लिखोगे ना तो ये आ जाएगा टू एन माइनस वन लेमडा बाय टू इज पाथ डिफरेंस तो ये ऑड लेमडा बाय टू नहीं आ गया डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो जाएगा टू एन प्लस वन पाई शुड बी टू पाई बाय लैमडा इनटू डेल्टा एक्स प्लस इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेस क्या हो गया पाई अब ये बन जाएगा एन लेमडा इज डेल्टा एक्स हालांकि कुछ किसी बच्चे को ये भी डाउट होना चाहिए कि सर आपने एग्जैक्टली exactly पाई तो बोल दिया बट यू डिड नॉट से प्लस पाई या माइनस पाई दोनों केस लेके देखो दोनों में आंसर सेम आएगा अगर तुम यहां पर माइनस पाई भी लोगे हाँ या ना तो टू एन प्लस वन लेमडा बाई टू आएगा इट इज अगेन ऑड लेमडा बाई टू और यहां पर अगर माइनस पाई लोगे तो ये आ जाएगा टू एन प्लस टू पाई इंटू लेमडा बाय टू पाई राइट इज डेल्टा एक्स अगेन दैट विल बी एन प्लस वन लेमडा दैट इज मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ किस किस को है चमका है एवरीबडी इट? Guys, समझ में आ गया नहीं आ गया यस सर द वे आवाज सही आ रही है आज आई एम यूजिंग अ डिफरेंट माइक ये पता चल रहा है बेटर है वैसा ही है सेम है ओके ओके अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूँ कि ये सोर्स वन था ये सोर्स टू था और यहां पे कोई बच्चा बैठा था पी पॉइंट पे और ये डिस्टेंस था टेन लेमडा और ये डिस्टेंस था सपोज आई डोंट नो एट लैमडा एंड दे आर कोहेरेंट सोर्सेस दे आर कोहेरेंट सोर्सेस एंड दे आर एग्जैक्टली इन फेज वॉट कैन आई कंक्लूड आई कैन कंक्लूड की यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा बोलो हाट आई कैन कंक्लूड ना बिकॉज द पाथ डिफरेंस विल बी वॉट टू लैमडा पाथ डिफरेंस विल बी टू लेमडा तो कोरेंट सोर्सिस में एक्जैक्टली इन फेज होने पर मल्टीपल ऑफ लेमडा अगर पाथ डिफरेंस हो तो क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा केस हुआ ये केस वन का लेफ्ट वाला पार्ट हो गया ना केस वन का लेफ्ट वाला पार्ट हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला हाँ या ना अब अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने का प्रयास करते मान लो ये कह देते कि आई डोंट नो से इसका एम्पलीट्यूड है टू ए हाँ या ना और इसका एम्पलीट्यूड है सपोज थ्री ए तो यहां पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा फाइव ए हाँ या ना गॉट इट और नॉट यहां पे इंटेंसिटी है सपोज इट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी फोर आई नॉट और यहां पे इंटेंसिटी है सपोज से कितना नाइन आई नॉट तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दट इज पच्चीस आई नॉट हाँ या ना या फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी रूट आई वन तो प्लस रूट आई टू का स्क्वायर तो बेसिकली रूट ऑफ टू आई नॉट सॉरी फोर आई नॉट रूट पहले ही ले लिया मैंने बहुत इंटेलिजेंट हूं प्लस रूट ऑफ नाइन आई नॉट का स्क्वेयर दैट गोइ बी टू रूट आई नॉट प्लस थ्री रूट आई नॉट का स्क्वेयर दैट्स गोइंग टू बी फाइव ट्वेंटी फाइव आई नॉट एवरीबडी गॉट इट और नॉट लेकिन इसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन वाला कह देता दे आर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज पांच डिफरेंस तो अभी भी टू ही रहेगा लेकिन यहां पर अब हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यहां पे हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड इस केस में हो जाएगा ये टू ए था ये थ्री ए था तो एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा साथ में इंटेंसिटी आई नॉट हो जाएगी या फिर ऐसे भी कह सकते हैं यहां पर माइनस कर देना तो आई नॉट हुआ न्यूआ एवरीबडी गॉट इट और नॉट सबको समझ में आया है नहीं आया ना पक्का yes. अभी लिखना है। लिखो लिखो रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते हैं। एवरीबॉडी रीड दिस क्वेश्चन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन लेट अस सी क्या होता है क्वेश्चन क्या कह रहा है टू स्फियस कनेक्टेड टू सेम सोर्स ऑफ फिक्सड फ्रीक्वेंसी आर प्लेस्ड टू मीटर अपार्ट इन अ बॉक्स अच्छा जी अ सेंसिटिव माइक्रोफोन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फोर मीटर फ्रॉम देयर मिड पॉइंट अलोंग द परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऐसे रख दो ये टू मीटर दिया हुआ था और एक माइक्रोफोन रख दिया फोर मीटर पे ठीक है भाई शोज मैक्सिमम रेस्पॉन्स जब ये ऐसे कनेक्टेड थे तो यहां पर मैक्सिमम रेस्पॉन्स आ रहा है तो मतलब यहां पे हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां पर अभी पार्ट डिफरेंस कितना है यहां से वेव गई यहां से वेव गई सही है और दे आर कनेक्टेड टू सेम सोर्स टेक्निकली दे आर दिस इज लाइक अ सोर्स अस दिस इज लाइक अ अस टू बिहेविंग लाइक कोहेरेंट सोर्सेज दे आर बिहेविंग लाइक कोहेरेंट सोर्सेज सेम फ्रीक्वेंसी वाले क्योंकि वो दोनों सेम ही सोर्स से बने हैं इज दैट फाइन फॉर एवरीबडी अरे दो स्पीकर लगा दिए दो स्पीकर लगा दिए ऐसे सोचो इसको ऐसे सोच सकते हैं हम कि दो स्पीकर लगा दिए और एक, एक ही आईपॉड से चला दिए हाँ या ना <laughs> कौन डिस्कनेक्ट हो गया भाई हाँ बेसिकली दो सोर्स लिए और वो एक ही सोर्स से बना दिए तो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हो गए और सेंसिटिव माइक्रोफोन इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर मीटर फ्रॉम देर मिड पॉइंट अलोंग द परपेंडिकुलर बाई दिस शोज मैक्सिमम रेस्पॉन्स अभी पाथ डिफरेंस कितना है अभी मैं कह सकता हूं पार्थ डिफरेंस एट दिस इंस्टेंट इज पार्थ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज जीरो इज दैट फाइन और नॉट कैन आई सी दैट डेल्टा एक्स इज जीरो क्योंकि इसको ये कह सकता हूं एस वन पी माइनस एस टू पी इज जीरो और यहां पर ये कह रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यार डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा

ऐसे घुमा दिया मतलब पहले ऐसे फिक्स करके ऐसे सर्कल में घुमा दिया कि ये यहां गाइस तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस केस में पांच डिफरेंस बढ़ने लगेगा पहले जीरो था अब कितना हो जाएगा जीरो से तो बड़ा हो जाएगा तो पहले जीरो था फिर कभी ना कभी हो जाएगा लैमडा बाई टू जब लेमडा टू लेमडा बाई टू हो जाएगा पाथ डिफरेंस तब हो रहा होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिर लेमडा बाई टू से बढ़ते बढ़ते दोबारा हो गया तो फिर से कंस्ट्रक्टिव होने लगेगा हाँ या ना ये सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है अब ये कह रहा है सेम लाइन एज माइक्रोफोन आ गया सेम लाइन एज माइक्रोफोन आ गया तो मतलब अल्टीमेटली वो ऐसे लेके आ गए सोर्सेस को यहां पे वो कह रहा है कि फिफ्थ मैक्सिमम रिस्पॉन्स सुनाई दे रहा है मैंने कहा भाई अभी पांच डिफरेंस था जीरो फिर कभी ना कभी हुआ होगा लेमडा फिर हुआ होगा टू लेमडा फिर हुआ होगा थ्री लेमडा फिर कहीं ना कहीं हुआ होगा फोर लैमडा और अब इस इंस्टेंट पे क्या हो जाना चाहिए फाइव लैमडा फाइव लैमडा

तो हम कह देंगे ये दो मीटर हो गया तो कहना इसे वेवलेंथ मीटर। किस किस को समझ में आया है मेरी गारंटी है कि आधे आधे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा बोलना सीखो कि नहीं आया जैसे ये इनलाइन उसमें उसके लाइन पे आ रहा था वो फाइव लैम्डा कैसे आया माय oh गॉड ए बस इतना बस इतना बोलो कि नहीं समझ में आया वो तो मैं समझा दूंगा फिर रहे? हाँ बेटा बोलो सर मैं तो डिस्कनेक्ट हो गई थी, पूरा तुन थी तुन कौन ग्रेट देखो क्वेश्चन तो मैं नहीं समझाऊंगा मैं मैं कंसेप्ट समझायाता हूँ दोबारा ये मैं चाहता भी हूँ दोबारा समझाना ठीक है चल इधर देखो मान लो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सोर्स वन है यहाँ पे सोर्स टू है यहां पे सोर्स वन है ये सोर्स टू है और इनको इस सर्कल में घुमाएंगे ऐसे कैसे घुमाएंगे सर्कल में घुमाएंगे यहां पे डिटेक्टर लगा दिया पी पॉइंट पे अभी अभी हमारे पास जब ये इस सिचुएशन में है इस ग्रीन वाली सिचुएशन में है सपोज पी पे मिनिमा आ रहा है वीक रेस्पॉन्स आ रहा है कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है वो स आ रहा है मान लो तो कैन आई कंक्लूड इस इंस्टेंट पे पाथ डिफरेंस कितना है एस वन पी माइनस एस टू पी विच इज जीरो मतलब पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज किसी को ये समझ में आया या नहीं आया जिसको नहीं आया बोल दो अभी बोलोगे तो बढ़िया रहेगा नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है जीरो है या नहीं है ऊपर जाओ जरा ऊपर जाओ मैंने कहा था कोई ऐसा मार कर लेते हैं पाथ डिफरेंस अगर हमारा ऑड लेमडा बाई टू हो तो कंस्ट्रक्टिव होगा पाथ डिफरेंस हमारा एन लेमडा हो तो डिस्ट्रक्टिव होगा इन द केस वेन दू सोर्स आर एक्जेक्टली आउट ऑफ फेस ये एन लेमडा के अंदर डेल्टा एक्स जीरो इंक्लूडेड है हाँ ना lambda means it can be zero also? Does that make some sense or not? तो मुझे कैसे पता चला कि क्वेश्चन के अंदर ये वाला केस बोलना चाहा है मैंने इस वर्ड को देखा कि पी पॉइंट पे मिनिमा है वीक रेस्पॉन्स है मैंने कहा पी पॉइंट पे इस इंस्टेंट पे देखा जाए तो और वन पी और एस टू पी दोनों लेंथ बराबर हैं, ये दोनों लेंथ अगर बराबर हैं तो पाथ डिफरेंस जीरो है। पाथ डिफरेंस जीरो होने पे मिनिमा कब होता है व्हेन द टू सोर्सिस आर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज अगर यहीं पे ये कह देता मैक्सिमा है तो कैन आई से टू सोर्सिस आर एग्जैक्टली इन फेज अगर यहां पर ये मिनिमा की जगह मैक्सिमम बोल देता क्वेश्चन वाला तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं exactly ये समझ में आया कि नहीं आया भाई मैं रिपीट नहीं करूंगा अब ऑलरेडी मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं अब नहीं समझ में आया तो बोल दो एनीबडी शिवांग ऊपर कर दो अरे पहले जो <laughs> बोल रहे वो समझ में आया <laughs> आया पक्का अब इन्होंने कहा इस क्वेश्चन में इसको घुमाना चालू कर दिया इसको घुमाना चालू कर दिया तुम्हें तो यह समझ में आना चाहिए ऐसे घुमाओगे तो पाथ डिफरेंस जीरो से बढ़ेगा क्योंकि जब ये यहां पहुंच जाएंगे सोर्सेज तो इस सोर्स से एस वन से वेव जाएगी ऐसे वो बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एस वाली कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी फिर थोड़ा और इधर ले जाऊंगा तो फिर से पाथ डिफरेंस बढ़ेगा क्योंकि अब यह और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये और कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये बढ़ता ही जाएगा यहां पर मैक्सिमम होगा तो पाथ डिफरेंस ऐसे घुमाने पर यहां से यहां तक ले जाने पे पाथ डिफरेंस बढ़ेगा एम आई राइट उसने कहा था जब पाथ डिफरेंस जीरो था तो वीक रिस्पॉन्स था अब पाथ डिफरेंस जीरो से बढ़ने लगा कभी ना कभी मैं कह सकता हूं कि वो बढ़ते बढ़ते लेमडा बाई टू हो जाएगा मतलब मान लो इस पॉइंट पे किस पॉइंट पे थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करते हैं रेड कलर पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे मान लो पाथ डिफरेंस हो गया लेमडा हो गया सॉरी जीरो से बढ़ते बढ़ते लेमडा बाई टू हो गया तो लेमडा बाई टू हो गया तो यहां पर क्या हो रहा होगा मैक्सिमम रेस्पॉन्स आ रहा होगा और घुमाऊंगा तो लैमडा बाई टू से लेमडा भी हो जाएगा तो फिर से वीक रेस्पॉन्स आ रहा होगा फिर थ्री लेमडा बाई टू हो जाएगा फिर मैक्सिमम आ रहा होगा फिर टू लेमडा हो जाएगा फिर मिनिमम आ रहा होगा अब क्वेश्चन वाले ने कह दिया जब इस लाइन पे पहुंचे उस इंस्टेंट पे आई एम दिस डिटेक्टर इज डिटेक्टिंग फिफ्थ मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा ना अरे यार मैंने क्वेश्चन बनाया है ना मैंने क्वेश्चन बोला कि फिफ्थ मैक्सिमम है फिर अच्छा अच्छा समझ गया

किस किस को ये समझ में आया है okay. पक्का टफ तो मैं पढ़ाता ही नहीं मैं टफ थोड़ी पढ़ाता हूं हो गया समझ में आया है अब जो मैंने अब समझ में आ गया उसके बेसिस पे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो तो उसने ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा है कि ऐसे था यहां पे था तो इस पॉइंट पे आ रहा है मैक्सिमा। तो पहली चीज तो डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेस इज जीरो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेस इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी फिर ये कह रहा है फिर ये कह रहा है कि ऐसे घुमाया इसको ऐसे घुमाया और वो कह रहे हैं यहां पर यहां पर फिफ्थ मोर मैक्सिमम रिस्पॉन्स है ये तो मैंने अगला कहा अगला मैक्सिमम रिस्पॉन्स कहां पर होगा डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा पे तो मतलब अगला यहां पे होगा जहां पर, हो पर लेमडा था पार्ट डिफरेंस फिर टू लेमडा था फिर थ्री लेमडा था फिर फोर लेमडा था और इस इंस्टेंट पे फाइव लेमडा होना चाहिए तो फाइव लेमडा शुड बी इक्वल टू टू आर आर हो गया रेडियस क्योंकि इस इंस्टेंट पे पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा किसी को डाउट है तो दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ विच इज टेक्निकली टू आर तो टू आर शुड बी फाइव लेमडा हाँ या ना किस किस को समझ में आ गया है अब पक्का सर ऊपर कर दो ओके okay. ये या और ऊपर नहीं पहले नीचे वाला लिख देना ओके okay, ये वाला करो हम्म हो गया हो गया सर नहीं सर रुक जाओ हो okay. गया सर ओके गाइस क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है टू पॉइंट सोर्सेज ऑफ रेडिएशन एस वन एंड एस टू रेडिएट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी चलो भाई कोहेरेंट बोल दिया एक्साइटेड बाय द सेम ऑसिलेटर दे आर ऑल्सो इन फेज विद अदर अच्छा भाई ये भी बोल दिया डेल्टा फाइव एस वन एस टू इज जीरो इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए एन लेमडा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए ऑड लेमडा बाई टू इतना पढ़ के इतना मैं कंक्लूड कर चुका हूं और क्या बोल है ये आगे एस वन को रखा ओरिजिन पे एस टू को रखा एट अ पॉइंट जीरो कॉमा फोर ऑन वाई एक्सिस भाई कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं ये एक्स एक्सिस ये हो गया वाई एक्सिस ये हो गया एस वन को रख दिया ओरिजिन पे एस वन को रख दिया ओरिजिन पे और एस टू को रख दिया चार मीटर इधर जीरो कॉमा फोर मीटर पे ठीक है फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ रिसीव इंटेंसिटी इफ दैट डिटेक्टर इज मूव टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन अभी कुछ नया एलिमेंट लिया है ओरिजिन से चालू हुआ और ये डिटेक्टर भागा एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे भाग रहे तो कहामा आया कहा मैक्सिमा आया जब ये ओरिजिन पे था तो पाथ डिफरेंस कितना है फोर मीटर हाँ जब ये ओरिजिन पे ही था डिटेक्टर खुद सोचो ना जब ये डिटेक्टर ओरिजिन पे था पार्थ डिफरेंस कितना था चार मीटर क्योंकि भाई यहाँ पे यहाँ पे सोर्स वन है और यहाँ पे सोर्स टू है और ये था हमारा ये डिटेक्टर भी यहीं पे है तो इसको वेव को ट्रेवल करना पड़ा चार मीटर इसको ट्रेवल करना पड़ा जीरो तो मैंने कहा भी पाथ डिफरेंस तो हो गया यहाँ पर चार मीटर चार मीटर इसका वेवलेंथ कितना था वन मीटर तो दिस इज टेक्निकली फोर लेमडा या ना? तो फोर लेमडा पार्थ डिफरेंस पे क्या होता है ये ये तो तो वाला हो गया ना होता होता है अगर initial phase difference between the sources zero होता तो. अब राइट right में भागने लगा. Right में भागने लगा लगा में 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 किस किस को ये समझ में आ रहा है right में भागोगे तो पाथ डिफरेंस हमारा कम होता जाएगा क्यों मान लो ये यहां पे पहुंच गया ये एक्स डिस्टेंस पे पहुंच गया तो पाथ डिफरेंस क्या होगा दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ ये कम नहीं होता जा रहा चार से इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो पांच डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो नहीं हो जाएगा क्योंकि जितनी बड़ी ये लेंथ उतनी ही बड़ी ये लेंथ किस किस को ये समझ में आया है आई विल रिपीट अगेन आई विल रिपीट अगेन ये सिचुएशन है ये डिस्टेंस टेक्निकली दिया हुआ है फोर लेमडा यह सोर्स टू है यह सोर्स वन है और हमारे पास डिटेक्टर एक्स एक्सिस में चल रहा है तो ये डिटेक्टर हमारा कभी यहां पहुंच गया तो इस इंस्टेंट पे ये डिस्टेंस मान लो एक्स तो ये वाला डिस्टेंस हो गया ये वाला डिस्टेंस हो गया जो इसने वेव ने चला ये हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वे प्लस सिक्सटीन ये फोर मीटर था ना तो पांच डिफरेंस कितना हो गया डेल्टा एक्स कितना हो गया ये हो गया अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्सटीन माइनस एक्स क्या मैं ये कह सकता हूं एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी योर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस विल टेंड टू जीरो किस किस को ये समझ में आया है भाई बहुत दूरी पे चला जाएगा ये यहां चला जाएगा इंफिनिटी पे तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा जीरो हो, हो जाएगा ना ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस हो जाएगा ये और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं बिना सॉल्व करे कि कितने पॉइंट्स ऑफ मैक्सिम आएंगे मैंने कहा भाई यहां पे था यहां पे था पाथ डिफरेंस फोर लेमडा कहीं ना कहीं यहां पे आएगा थ्री लेमडा कहीं ना कहीं यहां पे आएगा टू लेमडा कहीं ना कहीं यहां पे आएगा लेमडा और इंफिनिटी पे आएगा जीरो पाथ डिफरेंस तो ये एक मैक्सिमा का पॉइंट 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 और इंफिनिटी वाला भी मैक्सिमा का पॉइंट इस क्वेश्चन को बनाने वाला ये भी कह सकता था कि अगर मैं एक्सिस के अलोंग चलता रहूं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी और इंक्लूडिंग अगर इंफिनिटी वाले मैक्सिमा को भी इंक्लूड करूं तो कितने मैक्सिमा के पॉइंट्स आएंगे तो मैंने कहा भैया चार तो इधर आएंगे और चार इधर आएंगे और एक सेंटर पे आएगा हाँ या ना कितने हो गए नौ कितने मिनिमा के पॉइंट्स आएंगे मिनि का मिनिमा के भी आएंगे मिनिमा के भी आएंगे एक यहां पे आएगा जहां पे 3.5 लैम्डा होगा एक यहां पे आएगा जहां पे 2.5 लैम्डा होगा एक यहां पे आएगा जहां पर 1.5 लैम्डा होगा और एक यहां पे आएगा जहां पर 0.5 लैम्डा होगा आठ आठ हमारे अज्यूमिंग पूरे में चल रहा है तो आठ हमारे मिनिमा के पॉइंट आएंगे गाइस किस-किस को ये समझ में आया है क्वेश्चन सी so, ब्लू वाले से आपने क्या करा है मिनिमा के पॉइंट सोचे हैं अच्छा ठीक है आई एम नॉट सेइंग कि वो मिड पॉइंट पे होंगे वो तो पूरा मैथमेटिकली निकलेगा मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूं एटलीस्ट आई एम ट्राइंग ओके कि भैया हमारा अरे तुम शांत रहो यार भी मैं करा रहा हूं क्वेश्चन क्वेश्चन कराया क्या मैंने मैं तो सिंपली ये कह रहा था गाइज कि ऐसे था बालक का इधर देखो ये है चार मीटर और वेवलेंथ है वन मीटर ठीक है अब कहीं ना कहीं एक्स लोकेशन पे सोचो ये एक्स लोकेशन पे डिटेक्टर था तो एक वेव तो ऐसे पहुंची एक वेव ऐसे पहुंची पाथ डिफरेंस निकाल लो पाथ डिफरेंस आ गया रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्सटीन माइनस एक्स जहां पे ये होगा थ्री मीटर वहां पर मैक्सिम आएगा या नहीं आएगा ये बेसिकली थ्री लेमडा वाला केस हो गया क्योंकि यहां पे था हमारा पाथ डिफरेंस फोर लेमडा एवरीबडी ये आ जाएगा एक्स स्क्वेर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स एक्स स्क्र प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्र को काट दो सिक्सटीन माइनस नाइन कितना हो गया यार सेवन सेवन बाई सिक्स मीटर ये आ गया सेवन बाई सीटर इसका मतलब ये डिस्टेंस सेवन बाई सिक्स मीटर पर एक मैक्मा का पॉइंट आएगा ठीक है अगला कहाँ पर आएगा यहाँ पे कहीं आएगा जहां पर पाथ डिफरेंस हो जाएगा टू लेमडा तो इसको कर दिया टू मीटर तो यह आ जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वाज एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन ये आ जाएगा सिक्सटीन माइनस फोर दैट्स गोइंग टू बी ट्वेल्व बाई फोर तो x आ जाएगा थ्री मीटर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने जल्दबाजी में कहीं ना कहीं लैमडा भी आएगा लैमडा था वन तो इसको लिख देना वन मीटर तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन दैट सेवन पॉइंट फाइव मीटर ये आ गया सेवन पॉइंट फाइव मीटर तो ये एक्स की वैल्यू आ गई सेवन पॉइंट फाइव मीटर बोलो हां किस किस को चमकाए अच्छे से एवरीबडी yes. अब बोलो क्या कह रहे थे ऊपर क्या करना था जरूरत है आ, शुर। शुर। लिखा नहीं था अरे लिखना क्या था बताओ ये तो ऊपर तो का मैंने नीचे लिख ही दिया बस बस सर। हाँ सर, सर, अरे सर, एक सेकेंड एक सेकेंड सर तो फिर सर, एक दुण 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 हाँ एक सेकेंड सॉल्व दिस क्वेश्चन ट्राई दिस क्वेश्चन देन वी विल सी ठीक है एवरीबॉडी सॉल्व दिस क्वेश्चन आंसर चाहिए मुझे गाइज क्वेश्चन समझ में आया है किसी को क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है सो बेसिस बेसिकली दिस इज एच का क्वेश्चन टू कैर स्लिट्स एमिटिंग साउंड ऑफ वेवलेंथ लेडा आर इन सेम फेज आर प्लेस्ड पैरल टू ईच अदर एट अ स्मॉल सेपरेशन ऑफ टू लेमडा कि भाई ऐसे है यहां पर एक सोर्स है यहां पर दो से सोर्स है दूसरा सोर्स है इन दोनों के बीच का सेपरेशन है टू लेमडा साउंड इज डिटेक्टेड बाय अ मूविंग डिटेक्टर ऑन स्क्रीन ये स्क्रीन है मान लो जैसे ये थ्री डी स्क्रीन हैप्पी ये थ्री डी में स्क्रीन है चलेगा ना। और ये डिस्टेंस है कैपिटल डी विच इज मच मच ग्रेटर देन लेमडा फाइंड द डिस्टेंस एक्स सच दैट द इंटेंसिटी एट पी इज इक्वल टू इंटेंसिटी एट ओ अरे कहीं लिखा है दे सेम फेज हाँ सेम फेज में कोहेरेंट भी है सेम फेज में डेल्टा फाइव एस वन एस टू क्या है जीरो तो पाथ डिफरेंस अगर एन लेमडा के बराबर होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा अब ओ पे क्या हो रहा है ओ पे ओ पे पाथ डिफरेंस कितना है इससे एक वेव आई इससे दूसरी वेव आई okay. यहां पर पाथ डिफरेंस है टू लेमडा यहां पर पाथ डिफरेंस है टू लेमडा तो ये अगर हमारा यहां पे हो रहा है फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां पे हो रहा है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब यहां पर अगर इसका इंटेंसिटी आई वन होता यहां पे इसका इंटेंसिटी अगर आई टू होता तो यहां पे इंटेंसिटी कितना रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर। अब हम साइड में चलने लगे साइड में चलने लगे तो साइड में ऐसे चलने लगे डू यू रियलाइज कि पाथ डिफरेंस कम होने लगेगा टू लेमडा से यहां पे पहुंचेंगे तो पाथ डिफरेंस होगा दिस माइनस किस -किस तो होते होते, कहीं ना कहीं पॉइंट फाइव लेमडा हो जाएगा तो क्या हम ये कह सकते हैं तो वहां पर क्या बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिर और इधर चले और इधर डिस्टेंस पे गए

डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो टेक्निकली क्या हो जाना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये समझ में आया कि नहीं आया अगर यहां पर बोला जाए कि थ्री डी में सोचा जाए थ्री तो किस -किस समझ में आ रहा है कि पे एक सर्कल बनेगा ऑफ दिस रेडियस जिसके हर पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव होगा और इस स्क्रीन पे एक सर्कल बनेगा ऑफ दिस रेडियस पे हर पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव होगा और फिर इस स्क्रीन पे एक और सर्कल बनेगा जिसके हर पॉइंट पे टोटली क्या होगा डिस्ट्रक्टिव होगा ये वाला किस, -किस समझ में आया एक बार तो ये क्वेश्चन मेंस में इस प्रकार से आया था कि जो फ्रिंजेस बन रही हैं वो कैसी बन रही हैं कैन आई सर्कुलर पैटर्न बन रहा होगा सर्कुलर पैटर्न बन रहा होगा हालांकि एक बार अरे उसमें ऑप्शन ऐसे थे स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला हाइपरबोला कुछ कुछ तो लिखा हुआ था ठीक है <laughs> तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन था और एक बार क्या आया था सेमी सर्कल बोला हुआ था सेमी सर्कल इसलिए बोला था क्योंकि स्क्रीन सिर्फ अपर हाफ में थी लोअर हाफ में थी नहीं समझ में आया कि नहीं आया एवरीबॉडी किसके-किसको समझ में आ रहा है हां सर ये फ्रेंडलीिंग का मतलब अरे ठीक है वो बाद में बता दूंगा चिल ये अब तक का समझ में आया मैंने क्या बोला कि भी पैटर्न कैसा बनेगा पैटर्न पैटर्न वर्ड पे क्लिक करो सर ऊपर करना एक बार अरे रुक जाओगे मैं दोबारा सॉल्व तो कर लूं बालक ये s1 था ये s2 था ये d था ये 2 लैम्डा था ठीक है यहां पे पाथ डिफरेंस था 2 लैम्डा और यहां पर एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए एक्स डिस्टेंस पे जहां पर सेम इंटेंसिटी हो तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना आ जाना चाहिए यहां पे पाथ डिफरेंस आ जाना चाहिए लेमडा तो एक्स निकालना है तो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना होगा पाइथागोरस लगा दो भाई अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस अंडर द रूट ऑफ डी माइनस टू लैमडा का स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज लैमडा समझ में आ गया एक्स निकालना है इसको राइट हैंड साइड में ले जाके स्क्वेयर कर दो तो ये आएगा डी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज डी माइनस टू लैमडा का स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस टू लैमडा सॉरी माइनस नहीं प्लस टू लेमडा रूट ऑफ डी माइनस टू लैमडा का स्क्वेयर प्लस एक्स पे लिख देना डी स्क्वेयर प्लस फोर लेमडा स्क्वायर माइनस फोर डी लेमडा डी स्क्वेयर काट देना और एक्स स्क्वायर काट देना और और क्या करोगे इसे लिख देना हो जाएगा वो। तो ये आ जाएगा फोर डी लेर टू ले रूट ऑफ डी माइनस टू लेमडा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे अरे रुक जाओ पहले एक, एक लैमडा तो काट दें हाँ। ये आ गया फोर डी माइनस फाइव लैमडा टू टू तो यहाँ पर आ गया फोर और ये आ गया डी माइनस टू लेमडा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है उसके बाद तो मैथ का क्वेश्चन बन गया क्या बन गया का क्वेश्चन बन गया यहाँ पर कुछ अप्रोक्सिमेशन ले क्या तो तो इस, इस इग्नोर ही कर फोर फोर डी स्क्र बन गया इधर इधर बेसिकली फोर डी स्क्वे बन गया प्लस फोर लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर डी लेमडा प्लस एक्स स्क्टर है इसको भी इग्नोर कर दो और इस वाली को भी इग्नोर कर दो तो ये बन गया थ्री डी स्क् नहीं होगा नहीं तो अरे ये वाला फोर भी तो डिवाइड करोगे अच्छा हाँ एक्स so, आ गया रूट थ्री डी बड़ी मेहनत का क्वेश्चन था एवरीबॉडी गॉट इट क्वेश्चन दिखा फिर से देख लो बेटा यही आंसर है एक्स इज रूट थ्री डी पहला, पहला तो तो करके नहीं नहीं एक ही पॉइंट और आएगा टू लेमडा से कम होता जाएगा तो लैमडा आएगा या फिर इन्फिनिटी पे जीरो आएगा मिनिमा के दो पॉइंट आने थे मिनिमा के दो पॉइंट आने थे मिनिमा के दो पॉइंट में क्या करोगे यही इक्वेशन में यही इक्वेशन में राइट साइड में जो लेमडा लिखा है ना इस लेमडा की जगह एक बार लिख देना 1.5 पॉइंट और एक बार लिख देना 0.5 फाइव उसके कारण जो दो एक्स की वैल्यूज निकलेंगी तो वो दोनों मिनिमा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट होंगे ये सब कुछ समझ गया ठीक है एवरीबॉडी समझ में आ जाए तो बता देना फिर मैं इसको कुछ शॉर्टकट बताऊंगा कुछ ज्यादा ही अप्रोक्सीमेशन नहीं लग रही थी इसमें डी मच मच ग्रेटर देन लेमडा यूज कर रहे थे हम क्या यूज कर रहे थे डी मच मच ग्रेटर देन लेमडा थोड़ा सा मैं दिमाग लगाने के लगा के को, कोशिश करता हूं करने की गाइस लिख लो तो बता देना मैं आगे नीचे स्क्रॉल कर दूं कर दूं नहीं सर एक मिनट क्या करूं मैं कह रहा हूं ये तो कैलकुलेशन है तो तुम कैलकुलेशन लिखते हो या नहीं लिखते हो क्लास में हां पर कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है भाई व्हाट गुड इज योर क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग इफ यू कांट कैलकुलेट आधे टाइम पे तो कैलकुलेशन मार देती है अब इधर देखो गाइस ऐसे सोचो ये एक सोर्स था ये एक सोर्स था ये टू लेमडा था और ये डी था ऐसे सोचो कि यहां पे मीट करना था ना तो ये ऐसे गया और ये ऐसे गया क्योंकि ये डी मच मच ग्रेटर देन टू है मच -मच ग्रेटर देन टू है ऐसे मान सकता हूं कि ये वाला एंगल भी थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है बच्चे तो अब डरी गए ये क्या दोनों एंगल सेम कैसे हो जाएंगे फिर तो पैरल रेज नहीं हो गई बोल सकता हूं ये है दोनों थीटा हैं थीटा में ज्यादा चेंज नहीं आया हाँ सर समझ में आया है कुछ कुछ इसको, इसको इसको और एक्यूरेटली बताते बनाते हैं मतलब जब फ्रॉड करने पे आ ही गए तो मतलब होल्ड बैक व्हेन वी आर डूइंग सम फ्रॉड ये एक रह गई ये एक रह गई यहां से और ये दूसरी रह गई ये दोनों क्या हो गई ये दोनों क्या हो गई पैरेलल हो गई और ये मीट कर गई यारी, क्या कर दिया मैंने ठीक है ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो हो गया गया ये ये भी निकालना था हाँ या ना अब ये बताओ अब ये बताओ कि पाथ डिफरेंस क्या चीज होगी पाथ डिफरेंस में यहां से इस पे परपेंडिकुलर गिरा दूं तो मैं ये कह सकता हूं ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर हो गई तो पाथ डिफरेंस हो गया ये वाला डिस्टेंस क्योंकि पाथ डिफरेंस हो जाएगा एस वन पी माइनस एस टू पी एस वन पी माइनस एस टू पी शुड बी लेमडा अब बेसिकली एस वन पी को लिख दो इसको सी लिख दो दिस इज एस वन सी प्लस सी पी माइनस एस टू पी और सी पी और एस टू पी सेम हो गया तो एस वन सी हो गया एस वन सी क्या हो गया टू कॉस थीटा तो टू लैमडा कॉस कॉस थीटा थीटा हो गया पाथ डिफरेंस तो टू जो पाथ डिफरेंस है वो बराबर आना चाहिए लैमडा के तो इससे कॉस थीटा आ गया वन बाई टू इससे हमारे पास थीटा आ गया सिक्सटी डिग्री और ये सिक्सटी डिग्री आ गया तो एक्स बाय कैपिटल डी आ गया टेन सिक्सटी और एक्स आ गया डी रूट थ्री हाउ इज दैट गाइज सर इससे ज्यादा फ्रॉड हमने किसी क्वेश्चन में नहीं मारा होगा अभी तक बेटा फ्रॉड रो, फ्रॉड रॉक्स <laughs> फ्रॉड रॉक्स अब लेट अस ट्राई टू कंक्रीटाइज दिस फ्रॉड सिंस वी आर ऑलरेडी डूइंग फ्रॉड ठीक है भाई मतलब अब फ्रॉड पे थोड़ा सा यकीन हो जाए कि यार ये फ्रॉड करना है कहां कहां करना है वो मैं करके दिखाऊंगा ठीक है यहां पे लिख लिए लिख लो तो बता देना सर एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दोगे शिवांश का पूरे लेक्चर में आते क्या काम होता है जो कर रहा होता हूँ उससे 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 एक कदम पीछे रहना होता है कि भाई और ये वाला हाँ ठीक है ठीक है हो गया हो जाए तो बता देना हो गया नहीं सर रुक जाओ अरे इतना तो कुछ था भी नहीं इसमें ये वाला क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे अब भाई इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में ये बड़ा सा सर्कल है यहां पर जो ये रेडियस है ये बिना पढ़े बोल रहा हूं दिस शुड बी मच मच ग्रेटर देन थ्री लेमडा राइट एंड दिस इज सोर्स वन एंड दिस इज सोर्स टू इनके बीच का डिस्टेंस वुड भी थ्री लेमडा ठीक है पहले तो ये बता दो यहां पर यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा यहां पर पाथ डिफरेंस होगा थ्री लेमडा ठीक है जब पाथ डिफरेंस थ्री लेमडा है और इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेस क्या है जीरो है तो हो रहा होगा वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन फेज ये बताता है तुम्हें इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द इज जीरो ठीक है अब क्वेश्चन बनता है जब ये यहां पहुंचेंगे इस डिटेक्टर को यहां से पोजीशन वन से ऐसे मूव करते करते सर्कल में यहां पहुंचेंगे तो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा जीरो तो यहां पे भी क्या हो रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसका मतलब ये फील आ रही होगी डिफरेंस थ्री लेमडा से घटते घटते जीरो हो गया इसका मतलब दो डिफरेंट पॉइंट आएंगे जहां पर एक जगह टू लेमडा होगा एक जगह लेमडा होगा तो दो और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट आएंगे उनके एंगल इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे एक एंगल आएगा थीटा जहां पर यहां से आने वाली रे और यहां से आने वाली रे ये सारी ही थीटा पे हैं, वाओ और ये थीटा वाली रे ऐसे जाके मिल जाएगी ऐसे जाके मिल जाएगी तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगी ये वाली लेंथ पाथ डिफरेंस हो जाएगा थ्री लेमडा कॉस थीटा और थ्री लेमडा कॉस थीटा हो जाएगा टू लेमडा के बराबर तो थ्री लेमडा कॉस थीटा वन हो जाएगा टू लेमडा के बराबर तो कॉस थीटा वन आ जाएगा टू बाई थ्री फिर एक और एंगल ऐसा आएगा जहां पर ये लेमडा के बराबर आ जाएगा उसमें आ जाएगा थ्री लेमडा कॉस थीटा टू आ जाएगा लेमडा के बराबर कॉस थीटा टू आ जाएगा वन बाई थ्री सही है तो थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री थीटा इक्वल टू थीटा वन थीटा इक्वल टू थीटा टू थीटा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट्स होंगे गॉट इट और नॉट अब डिस्ट्रक्टिव का पूछा होता तो डिस्ट्रक्टिव का पूछा होता तो, तो अब अब तो हम डरेंगे नहीं ना यहां पर कहीं होगा 2.5 पॉइंट लेमडा फिर कहीं ना कहीं होगा 1.5 पॉइंट और कहीं ना कहीं होगा पॉइंट फाइव लैमडा गॉट इट और नॉट एवरीबडी गॉट इट बढ़िया क्वेश्चन था अब जैसे सपोज करो अब जैसे सपोज करो इसी प्रकार से किसी को अगर एस एच एम हल्का फुल्का याद है तो इस प्रकार का क्वेश्चन होता था ये डब्बा लेते थे ये डब्बा लेते थे और यहां पर स्प्रिंग लगा दिया यहां पे डब्बा लिया और यहां पे एक स्प्रिंग लगा दिया ये मास एम है ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है और सपोज ये दोनों एंगल थीटा है ये दोनों एंगल थीटा है ये कौन सा व्यू है ये टॉप व्यू है ये टॉप व्यू है कैसा व्यू है टॉप व्यू है ये जमीन पे रखा है तो क्या मैं कह सकता हूं एम तो लगेगा इनटू द प्लेन एम तो लगेगा इंटू द प्लेन एंड नॉर्मल लगेगा आउट ऑफ द प्लेन इज दैट फाइन समझ में आया टॉप व्यू है किस किस को समझ में आया कौन सा कौन से व्यू की बात कर रहे हैं ये जमीन है इसका मतलब ये जमीन है एवरीबडी सर। अब क्वेश्चन में था इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये, और एक्स शुड भी स्मॉल एक्स शुड भी स्मॉल इफ एक्स स्मॉल तो यह स्प्रिंग हो गया ऐसे भाई गोडिये क्या बना दिया ठीक है थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दो ज्यादा <laughs> तो क्या मैं कह सकता हूं स्प्रिंग में इलांगेशन कितना होगा क्स कॉस्टा थीटा सेम ही रखो तो स्प्रिंग में फोर्स कितना आ जाएगा स्प्रिंग में फोर्स आ जाएगा KX theta. और यहां पर भी क्या कहोगे इधर भी कितना लग रहा होगा के एक्स कॉस्टा x एक्स थीटा वो पांच डिफरेंस निकाल दिया तरीके से Am I right? Assuming कि ये वाली length और ये वाली लेंथ सेम है और ये वाली लेंथ इज द एक्स्ट्रा लेंथ दैट इज योर इलांगेशन इन स्प्रिंग सो कैन आई से टू टाइम्स के एक्स कॉस थीटा का कॉस कंपोनेंट इज एम एक्सेलरेशन होता था ओमेगा स्क्वायर एक्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम कितनी होगी अंडर द रूट ऑफ टू के कॉस स्क्वेयर थीटा बाय एम बोलो हाँ टाइम पीरियड क्या हो गया टू पाई बाय ओमेगा एंड आई कैन से वी आर डन हाउस डेट गाइस सही आपने लास्ट ईयर तो नहीं करवाया था ना ऐसे चम्मे इसीलिए नहीं करवाया था आई वाज लीविंग इट फॉर दिस डे ठीक है सर एक बार ऊपर का जना ऊपर वाला लिखा नहीं था माय गॉड भाई मतलब नीचे कर दिया था मेरी। भी बट मैं कह तो रहा सर अभी एक मिनट रुक जाओ सर ये नोट करने <laughs> दो मैं कह तो रहा हूं मैं मजाक आई वाज नॉट इवन किडिंग यार मतलब 10 मिनट पहले यही बोल रहा था मैं, जांक, मैं जांक, बैं, बैं, करूं क्या ऊपर लिख लिया नहीं सर रुक जाओ <laughs> सब लड़ लो बैठ के ठीक है जो जो हमारी कंबाइंड क्लासेस हुआ करेंगे अरे यार हा गाइज सो क्वेश्चन है क्वेश्चन है सपोज ऐसे है ये के है ये के है ये के है ये थीटा है ये थीटा है इसको हमने एक्स डिस्प्लेस किया तो इसके ऊपर इधर से फोर्स लगेगी के एक्स कॉस थीटा एट एंगल थीटा इधर से फोर्स लगेगी के एक्स कॉस थीटा एट एंगल थीटा और इधर से पुशिंग फोर्स लगेगी के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी के एक्स प्लस टू के एक्स कॉस थीटा का कॉस इज एम ओमेगा हो जाएगा रूट ऑफ के प्लस टू टू के कॉस स्क्वेयर थीटा बाय एम इज दैट फाइन आई थिंक प्रीवियस ईयर में इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया है एंड आई थिंक नीट में आया इफ एम नॉट रॉन्ग नीट में आए मीन्स में आए पता नहीं स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ऐसे लगा दिया स्प्रिंग ऐसे डब्बा रख दिया ऐसे लगा दिया स्प्रिंग दोनों 90 डिग्री पे हैं और इधर एक स्प्रिंग लगा दिया और ये एंगल है 45 डिग्री ये के है ये भी के है ये भी के है और ये बोला है स्पेसिफिकली क्वेश्चन के अंदर ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला गया है इट इज प्रेस्ड अलोंग दिस स्प्रिंग एवरीबॉडी गॉट इट तो इफ इट इज प्रेस्ड अलोंग दिस स्प्रिंग इस पे इधर फोर्स लगेगा के एक्स बाय रूट टू इधर फोर्स लगेगा के एक्स बाय रूट टू और इधर फोर्स लगेगा के एक्स रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ एस एच एम कितना होगा टू के एक्स इज एम ए ओमेगा आ जाएगा रूट ऑफ टू के बाई एम डन किस किस को समझ में आ गया बाय द वे आ गया ना यस सर गुड चलो रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं हाँ बोलो कोई क्या कह रहे थे, थे बोलो एक्स वाला अरे भाई ऐसे सोचो ना कि ये और ये हालत सेम है एक तरीके से तो इलोंगेशन क्या हो गया एक्स बाय टू तो फोर्स क्या लगेगी kx एक्स बाय रूट टू अब तुम कहोगे ये लगनी चाहिए थी ऐसे वो तो एंगल चेंज मान ही नहीं रहे ना तुम इस डायग्राम को ऐसा सोचो ना कि ये डायग्राम में वो ऐसे बना रखा है डायग्राम अब सही है इसको हल्का सा शिफ्ट किया हाँ या ना तो ये कह दिया कि इसको इधर शिफ्ट किया था एक्स और हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल ऐसे देखा जाए तो ये वाला फोर्टी फाइव था और ये वाला भी फोर्टी फाइव था अभी भी वो कह रहा है कि यार ये फोर्टी फाइव ही रह गए एम आई राइट अभी भी ये कह रहा है कि यह फोर्टी फाइव ही रह गया और इधर की तरफ हमारा इलोंगेशन कितना हो गया एक्स बाय टू एक्स कॉस फोर्टी फाइव इधर इलांगेशन क्या हो गया ये भी एक्स बाय रूट टू तो इधर की तरफ स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया के एक्स बाय रूट टू इधर भी कितना हो गया के एक्स बाय रूट टू और इधर की तरफ फोर्स कितना हो गया के एक्स तो नेट फोर्स क्या होगा के एक्स बाय टू और के एक्स बाय टू का रिजल्टेंट क्या रूट टू टाइम्स के एक्स बाय दैट इज के एक्स टू के एक्स इज एम डन एवरीबडी गॉट इट अरे हा ना मैं जवाब दो भाई हो गया ना गुड yes, गुड yes, बोलो क्या हुआ

इतनी आसान सी चीज सोच नहीं पा रहे तुमने उसे तीन एक्सेस सोच लिया वाओ। ठीक है इधर सुनो मेरी बात थोड़ी थ्योरी पढ़ लें फॉर अ चेंज मैंने कहा था कोहेरेंट सोर्सेज और कोहेरेंट सोर्सेज में मैंने कहा था पहले बोल दिया था सेम फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी

स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न तो तभी बनेगा तुम खुद सोचो सेम फ्रीक्वेंसी है किसी पॉइंट पे बैठ गया मैं किसी पॉइंट पे बैठ गया और पहले वो दोनों सोर्सेज मान लो इन फेज थे तो पाथ डिफरेंस कुछ था मान लो एन लेमडा तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा था थोड़ी देर बाद मान लो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज आउट ऑफ फेज हो गया तो पता चलेगा वहीं पे उसी पॉइंट पे हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थोड़ी देर बाद इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेस हो गया पाई बाय थ्री तो मैंने कहा फिर तो और ही कुछ हो गया ना कंस्ट्रक्टिव, ना कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव उस केस में कौन सा लग रहा होगा कि प्रॉपर डेल्टा थीटा निकालना डेल्टा थीटा हो जाएगा टू पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाइव एस वन एस टू और फिर कोई कहे कि इंटेंसिटी निकालनी है तो इंटेंसिटी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा

उनके कारण जो फेज डिफरेंस था वो कांस्टेंट रहना चाहिए तो इसका मतलब वो कांस्टेंट रहना चाहिए तो वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था एक तो वो डिपेंड कर रहा था पाथ डिफरेंस पे और एक वो डिपेंड कर रहा था इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज पे किस पे डिपेंड कर रहा था इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज पे अगर वो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज रेंडमली वेरी कर रहा है मान लो मान लो रेंडमली वेरी कर रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं एक पॉइंट जहां पर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है थोड़ी देर बाद हो सकता है डिस्ट्रक्टिव हो रहा हो थोड़ी देर बाद हो सकता है समवेयर इन बिटवीन हो रहा हो ना कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव किसी को समझ में आई है बात अब एवरीबडी गेटिंग इट और स्टेबल तो स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए सेम फ्रीक्वेंसी होना भी जरूरी है और इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज कांस्टेंट होना भी जरूरी है कांस्टेंट होना भी जरूरी है अब मैं ये बताता हूं कि ये कंडीशन प्रैक्टिकल लाइफ में मीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल प्रैक्टिकल लाइफ में ये दोनों कंडीशन मीट करना इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू वॉटिबल इम्पॉसिबल रियली इट्स इट्स रियली इंपॉसिबल बताते हैं क्यों इम्पॉसिबल है ये इंपॉसिबल इसलिए है कि सेम फ्रीक्वेंसी कैसे होता है हाउ डू यू क्रिएट हाउ इज हाउ इज लाइट सोर्स क्रिएटेड भाई हमारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए और मान लो एन इक्वल टू टू से N equal to पे गिरे तो कुछ एनर्जी गैप होगा उस एनर्जी गैप को लिख दूंगा एचन यू इस फ्रीक्वेंसी की रेज एमिट होगी ना अब मान लो मेरे पास एक बल्ब है सोर्स वन और एक बल्ब है सोर्स टू मतलब और इसमें मान लो मिलियंस ऑफ एटम्स हैं मिलियंस ऑफ एटम्स हैं तो सारे के सारे टू से वन का ट्रांजिशन करें तो इसके भी मिलियंस ऑफ एटम कहां से ट्रांजिशन करें टू से वन का ही ट्रांजिशन करें सो so दैट दोनों से जो लाइट निकली उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी सेम होगी इज दैट फाइन और नॉट न यू एंश्योर दैट तुम ये कह रहे हो कि दो बल्ब लिए उस बल्ब में बिजली पास करी कुछ एक्साइट हुआ सबका टू से वन पे होना चाहिए सबका टू से वन पे होना चाहिए तभी फ्रिक्वेंसी सेम होगी ना कैन यू एनश्योर दैट की टू सोर्सेज में ऐसा ही हो एक तो एलिमेंट सेम हो एक सेम एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन हो और सपोज कर लो और सपोज कर लो कि तुमने फ्रीक्वेंसी सेम कर भी दी कर भी दी तो तुम्हें पता है सेकंड कंडीशन और भी डिफिकल्ट है सेकंड कंडीशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट है क्यों डिफिकल्ट है क्योंकि सेकंड कंडीशन में हम कह रहे हैं कि इनिशियल फेज ऑफ सोर्स वन ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है यह एक्चुअली डिपेंड करता है टाइम ऑफ ट्रांजिशन पे कि ये इलेक्ट्रॉन ये हमारा टू से वन पे डीएक्साइट होके गया उसमें टाइम इंटरवल कितना लगा याद करो वो नैनो सेकेंड के ऑर्डर का होता था तो मतलब तुम ये कहो कि यह वाला भी ट्रांजिशन करे ये भी सेम एग्जैक्टली टाइम इंटरवल में करें नैनो सेकंड हे भगवान ये तो हो ही नहीं सकता मिलियंस के मिलियंस एग्जैक्टली सेम ट्रांजिशन करें सेम टाइम इंटरवल में ऐसा हो सकता है क्या तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल फेज फेज जो होगी इनिशियल फेज होगी ये तो रैंडमली वेरी करेगा कैसे वेरी करेगा कैसे वेरी करेगा राइज रैंडमली रेंडमली वेरी करेगा और फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई कि कभी मान लो फाइव वन और फाइव टू ऐसे था कि ये पाई था और इनके बीच का डिफरेंस जो था कभी तो ये जीरो होगा कभी ये पाई बाई थ्री हो जाएगा कभी ये पाई बाई सिक्स हो जाएगा कभी ये पाई हो जाएगा कभी ये पाई बाई टू हो जाएगा मतलब ये तो बड़े परेशान भैया हम तो इसका मतलब किसी पॉइंट पे देखा जाए तो स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न कभी नहीं बनेगा देर इज आई आई कैन डू इट वन वे Can anyone tell me how i can do that? Somehow create two sources from same source. Somehow create two sources from same source. हाँ awesome. sir क्योंकि तुम दोनों sources को same source से ही करोगे। यही तो पूरा YDSE में होता है Young double slit experiment में देखो तो एक्सपेरिमेंट को सोचना तो बहुत आसान है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेम लॉजिक का सिंपल लॉजिक क्या है एक तरफ से टॉर्च जलाई दूसरी तरफ से टॉर्च जलाई अगर पार्टिकल नेचर ना होके लाइट इज वेव तो कहीं किसी पॉइंट पे दीवार पे तो वेव्स कट जाएंगी कहीं पे ऐड हो जाएंगी क्योंकि वेव्स अगर उल्टी डायरेक्शन में होती है तो कट जाती है ना और कहीं पे सेम डायरेक्शन में होती है तो ऐड हो जाती है तो कहने का मतलब है अगर लाइट वेव है तो वाई के अंदर क्या करता है सेम सिंपल लॉजिक है कि दो टॉर्च जला दी इधर इधर से इदर से एक हाथ में टॉर्च लेके जला दी दूसरे हाथ में टॉर्च लेके जला दी और सामने दीवार के ऊपर कुछ पॉइंट्स पे तो काला हो जाए कुछ पॉइंट्स पे ब्राइट हो जाए राइट लेकिन ऐसा होता नहीं है क्यों नहीं होता क्योंकि दोनों टॉर्चेज कोहेरेंट सोर्स नहीं है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है दैट एक्सपेरिमेंट वेन्स इट वॉज वेन इट वॉज डन फॉर द फर्स्ट टाइम इट एक्चुअली फेल्ड क्योंकि दीवार पे काले और ब्राइट धब्बे बनने चाहिए कहीं पे कटे और कहीं पे एड हो क्योंकि ऐसा होता है किसी एक पॉइंट पे कभी तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा होता है और कभी नैनो सेकेंड के बाद उसी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है क्योंकि रेंडमली वेरी कर रहे हैं इनिशियल फेजेस समझ में आया कि नहीं आया तो इस केस में हमें करना क्या चाहिए था कि क्रिएट टू सोर्सेस आउट ऑफ सिंगल सोर्स तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसने यही किया उसने बेसिकली स्क्रीन ली यहां पर एक स्लिट काटी यहां पर एक स्लिट काटी पीछे एक सोर्स लगा दिया इससे रेज गई इससे रेज गई, इस गई इस स्लिट से रेज निकल के आई इस स्लिट से रेज निकल के आई और इनका इंटरफेरेंस करा दिया स्क्रीन पे तो बेसिकली इसका अगर इनिशियल फेज रेंडमली वेरी कर रहा था तो इसका भी इनिशियल फेज हो जाएगा इसका भी इनिशियल फेज फाइव हो जाएगा क्या मैं कह सकता हूं डेल्टा रेंडम माइनस सेम रेंडम क्या हो जाएगा जीरो हो, right, हो, हो जाएगा ना तुम नोटिस करो जितने भी क्वेश्चन थे उनमें उन्होंने ऐसे ही करने की कोशिश करी है इसने कोहेरेंट बोल दिया ठीक है भाई और पीछे जाओ क्वेश्चन में इसमें भी कोहेरेंट बोल दिया और जाओ पीछे एक्साइटेड बाय द सेम ऑसिलेटर एक्साइटेड बाय द सेम ऑसिलेटर टू सोर्सिस क्रिएटेड बाय द सेम सोर्स कनेक्टेड टू टू द सेम सोर्स अब बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है ये याद रहेगा या नहीं रहेगा पहले तो ये बता दो तो तो इसका मतलब को हेरेंट के अंदर जो सेकंड कंडीशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए अब यहां पर एक मैटर ऑफ फैक्ट याद करेंगे मैटर ऑफ फैक्ट याद करेंगे अगर हमारे पास ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है रे आई डू यू रियलाइज अ पार्ट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड अ पार्ट गेट्स रिफ्लेक्टेड और अगर हमारा ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये रेरर है और कोई रे आई अ पार्ट गेट्स रिफ्लेक्टेड अ पार्ट गेट्स रिफ्रेक्टेड इज दट फाइन अब यहां पर जो मैंने रटवाना है ये तो ये तो पता था मेरे था, ऑप्टिक्स में पढ़ाई ठीक है जो रटवाना है मैंने वो बता रहा हूं इसका अगर इनिशियल फेज है, तो ट्रांसमिटेड का हमेशा सेम रहता है इंसिडेंट का अगर फाइएस है तो ट्रांसमिटेड का हमेशा फाइएस रहता है लेकिन अगर रिफ्लेक्शन हुआ और परली तरफ डेंसर मीडियम था तो यहां पर इसका फेज रिफ्लेक्टेड रे का फेज एग्जैक्टली exactly 180 डिग्री से आउट ऑफ फेज हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू तो इंसिडेंट इसमें फाइवी रहता है इफ रिफ्लेक्शन विद डेंसर मीडियम ऑन द अदर साइड देन द रिफ्लेक्टेड वेव इज आउट ऑफ फेज विद इंसिडेंट वेव बाय एटी डिग्रीज इस चीज को पहले भी बोला गया था अगर याद आ रहा हो किसी को तो इसको हमने इस फॉर्म में कहा था इस फॉर्म में नहीं कहा था हमने इस फॉर्म में कहा था कि अगर कोई रस्सी है और ऐसे वेव आ रही है और यहां पर रिंग लगा दिया यहां पर मासलेस रॉड मतलब मासलेस रिंग लगा दिया स्मूथ रॉड पे और ये ऐसे आ रहा है तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये ऐसे ही होगा लेकिन ये रस्सी है और ये दीवार में हिंज्ड है ये दीवार में हिंज्ड है और ये यहां पे आके टकराएगा तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये ऐसे जाएगी ये वेव्स में पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था ये बता दो तो तो यहां पर तो ये एक तरीके से क्या हो गया रिफ्लेक्शन हैपेंस फ्रॉम रेयरर मीडियम तो ये ये वाला केस हो गया तो रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ तो सेम फेज रहेगा और ये डेंसर मीडियम हो गया डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव आउट ऑफ फेज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव इसको फिर मैंने इस तरीके से भी कराया था रस्सी वाले केस में कि हम मैंने कहा था कि सपोज एक हल्की रस्सी है और एक मोटी रस्सी है ठीक है और फिर मैंने कहा था कि कुछ इस टाइप की पल्स आ रही है मान लो तो डेंसर से रिफ्लेक्शन होगा तो हल्की वाली में तो वेव ऐसे जाएगी और ट्रांसमिटेड हमेशा सेम फेज में जाती है एज इंसिडेंट तो इस वाले में ऐसे जाएगी मैंने तो एम्पलीट्यूड के बारे में भी शायद फॉर्मूले करवाए थे किसी को याद हो तो और अगर ये डेंसर होती और यहां पर रेयरर होती और डेंसर में आ रहा होता पल्स तो रिफ्लेक्टेड भी सेम फेज में होगा और ट्रांसमिटेड भी सेम फेज में होगा नाउ ट्राई टू रिलेट ऑल दीज थिंग्स एट द सेम टाइम ये सारी सेम चीजें सबको समझ में आया यहां तक एवरीबडी गुड हो जाए तो बता देना लिख लिया तो थोड़ा सा ऊपर मतलब, कर दो ऊपर मतलब ऊपर का देखना है कुछ ये सर वो सी वाला पार्ट अरे वो तो वाईडीएससी पूरा पढ़ाऊंगा भाई तुम्हें क्या लग रहा है वाईडीएससी करा दिया मैंने आई <laughs> so, का वाई भी नहीं कराया मैंने जल्दी जल्दी लिखो भाई भाई रात के ग्यारह बज गए हैं Come on guys, be on fire. See, जो लास्ट वाले में है हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है आ गया तो कहता ही हूँ सबको आ गया आओ एक क्वेश्चन बनाते हैं मित्रों क्वेश्चन है क्वेश्चन है यहां पे रखते हैं मिरर रख दिया भाई मिरर रख दिया ठीक है यहां पर है हमारा सोर्स सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लेंथ लेमडा एंड यहां पर है हमारा डिटेक्टर ठीक है ये है एच फाइंड Minimum value of H so that there is a bright spot at detector. देखो, मैं सारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन करा रहा हूँ पॉइंट इज कि इनसे सारे कंसेप्ट सीख लो क्वेश्चन तो कुछ नया ही आएगा पेपर में हाँ या ना। नाइज क्या करेंगे भाई? इंटरफेरेंस हो क्यों रहा है डिटेक्टर पे सोर्स तो एक ही है मैंने कहा दो तरह से वेव्स आएंगी कुछ तो ऐसे आ गई डायरेक्टली आ गई और कुछ वेव्स तो मतलब जाएंगी ऐसे वेव्स ऐसे गई फिर रिफ्लेक्शन खाएंगी और फिर ऐसे जाएंगी क्यों भाई सही कह रहे हैं ठीक है तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा हो जाएगा डिटेक्टर पे इस डिस्टेंस को ले लेना डी तो क्या मैं कह सकता हूं पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस एट डिटेक्टर क्या हो गया टू एच प्लस डी माइनस डी अच्छा डी देने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि डी तो कट गया सही तो है ये डिस्टेंस एच हो गया ये डिस्टेंस एच हो गया ये डिस्टेंस डी हो गया माइनस ये वाला तो टू एच प्लस डी माइनस डी दिस इज पाथ डिफरेंस एट डिटेक्टर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है डेल्टा एक्स शुड बी डेल्टा एक्स शुड बी एन लेमडा देखो यहां पर हो चुका ब्लंडर गलत हो चुका क्वेश्चन गलत गलत हो गया यह कंडीशन तब होती है कंस्ट्रक्टिव की व्हेन इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन टू इज़ जीरो मैंने कहा रुको ये सोर्स था इसका फेज था मान लो फाइव तो ये वाली जो वेव जाएगी इसका फेज इनिशियल फेज फाइव होगा ये वाली जो रेड वाली जा रही है रिफ्लेक्शन खाने इसका फेज फाइव होगा अब मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ मान लो कि मिरर डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर वी कैन एज्यूम मिरर टू बी डेंसर मीडियम तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज लाइक रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम सो दिस विल बी फाइव प्लस पाई तो जो दूसरी वेव आई उसका इनिशियल फेज हो गया फाइव प्लस पाई तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हम बात कर रहे थे कि इनिशियल फेज बिटवीन द टू सोर्सेज के दो केस करवाए थे या तो जीरो होगा या वन एट्टी होगा तो ये वन एट्टी वाला केस नहीं हो गया इनिशियल फेज बिटवीन द टू सोर्सेज इज एक्चुअली पाई तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो जाएगी डेल्टा एक्स शुड बी ऑड लैम्डा बाई टू बोलो हाँ किस किस को ये चमका है अच्छे से क्वेश्चन तो टू शुड बी ऑड लेमडा बाई टू तो एच आ गया

H पे तो अलग होगा उसके बाद हो क्या होगा पहले तक तो उसका होगा लेकिन जब रिफ्लेक्शन हुआ तो फाइव प्लस पाई हो गया तो जब डिटेक्टर पे पहुंचा तो डिटेक्टर पे एक तो पहुंचा फाइ एस वाला और डिटेक्टर पे दूसरा पहुंचा फाइव प्लस पाई वाला तो जो दो पहुंचे उसके पास रेज वो एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज नहीं है क्या तो जो दूसरा जो दूसरा पाई प्लस पाई वाला आया है तो वो तो एच प्लस डी डिस्टेंस रूल से आया ना अरे भाई उससे क्या फर्क पड़ रहा है मैं तो ये बोल रहा हूँ डिटेक्टर के पास जब दो रेज आई दो वेव्स आई उन दोनों में इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है पाई है उन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है टू है और तुमने ज्यादा सोच लिया और तुमने गलत कर दिया उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि h उसका h उसका फेज फाई से गया और h d फाईस पाई से गया उससे पाथ डिफरेंस में कोई फर्क पड़ता है मैंने तो नहीं सिखाया ऐसा कुछ फर्क पड़ना या तो मैंने सिखाया होता अगर पड़ता होता तो और मैंने नहीं सिखाया तो इसका मतलब नहीं पड़ता ठीक है बेटा यहां तक का समझ में आ गया है हालांकि इसको कुछ... नीचे मत करना अच्छा नहीं करूं। वे लिख रहे हो क्या करो करो लिखो ऑन गाइस जाग जाओ ओए सोना नहीं है यस yes, सर आज हम इंटरफेरेंस करके ही सोएंगे ऐसा मत करो पूरा एक चैप्टर खत्म हुआ है माइंस पांच घंटे वैसे एक चीज है इसको कर सोचने का एक और तरीका भी होता है क्या पता कभी काम आए तो बता ही दूं तो बढ़िया रहेगा ऐसे था ये सोर्स और ये था डिटेक्टर ये था डिस्टेंस h और ये डिस्टेंस था d इसमें ऐसे सोचो एक तो सोर्स यही रहा और एक इसका इमेज इज आल्सो अ सोर्स सॉर्ट ऑफ तो एक तरीके से इस डिटेक्टर इस के पास दो रेज गई एक इस सोर्स से गई डी चल के और एक इसकी इमेज से चल के गई इसकी इमेज से चल के गई तो एच प्लस एच प्लस डी गई द ओनली थिंग वुड बी कि इस ये जो सोर्स होगा इसका फाइ एस है तो दिस इज अ सोर्स फाई एस प्लस फाइ अब पाथ डिफरेंस सेम आया कि नहीं आया कितना आ गया टू एच प्लस डी माइनस डी दिस इज योर दिस इज योर पाथ डिफरेंस इससे भी सोच सकते थे कि जो इंटरफेरेंस हो रहा है डिटेक्टर पे वो दो लोगों का इंटरफेरेंस हो रहा है वन इज द ओरिजिनल सोर्स एंड वन इज द इमेज ऑफ दैट सोर्स बिहेविंग एज अ सोर्स द ओनली थिंग वुड बी विल बी टू सोर्सेज uh, exactly आउट ऑफ phase कोई खास जरूरत नहीं थी ना इसकी उसके बिना ही हो गया था जबरदस्ती मैंने कहा कि भाई ऐसे भी कर सकते थे ऐसे भी कर सकते थे एवरीबॉडी लिख लिया अरे इमेज तो एच डिस्टेंस पे ही बनती है ना प्लेन मिरर से एवरीबॉडी डन मैं बताऊं इसमें गड़बड़ हो सकती थी तुमने इस क्वेश्चन के अंदर नोटिस किया मैंने सोर्स ऑफ लाइट बोला है यह बोलना बहुत जरूरी था अगर मैं सोर्स ऑफ लाइट की जगह सोर्स ऑफ साउंड बोल देता तो अगर सोर्स ऑफ लाइट की जगह मैं सोर्स ऑफ साउंड बोल देता तो एनी बडी किसी को पता है साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स एज कंपेयर टू लिक्विड एंड इट ट्रेवल्स द स्लोएस्ट इन गैस हाँ सर तो इसका मतलब दीवार मिरर उसके अंदर साउंड तेज चलेगी उसमें साउंड अगर तेज चलेगी तो दैट इज अ रेयरर मीडियम एंड द गैस इज अ डेंसर मीडियम क्या मैं कह सकता हूं उसमें फाइएस्ट प्लस पाई नहीं होगा किस किस को चमका ये चीज पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा सोर्स ऑफ लाइट की जगह सोर्स ऑफ साउंड करो क्वेश्चन गलत क्वेश्चन पूरा चेंज हां या ना तो चलो इसी चीज के ऊपर एक क्वेश्चन दिखा देखते हैं ध्यान रखना अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एच और ये क्वेश्चन साउंड चैप्टर का है

गाइज क्वेश्चन है हाँ तो इस क्वेश्चन में कहीं साउंड लिखा नहीं होता इस कारण से मेरा क्वेश्चन ये गलत हो गया था लिखना चाहिए था लेकिन ये चैप्टर साउंड का था तो साउंड की बात करिए सोर्स एंड डिटेक्टर डी आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अ बिग कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट टू डी फ्रॉम द सोर्स एंड द डिटेक्टर इन फिगर ये सोर्स है ये कार्डबोर्ड है ठीक है भाई और ये डिटेक्टर है और ये डिस्टेंस दिया है डी और ये डिस्टेंस दिया है रूट टू डी अब इसके पास सोर्स से डिटेक्टर के पास दो तरीके से रेस जाएंगी कुछ तो जाएंगी डायरेक्ट कुछ तो जाएंगी डायरेक्ट और कुछ जाएंगी रिफ्लेक्ट होके और रिफ्लेक्ट होके जाएंगी ये हो गया रूट टू डी यह हो गया डी बाई टू एंगल ऑफ इंसिडेंसी सेम इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये भी हो गया डी बाई टू तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई हाइपोटेन्यूस कितना हो गया टू डी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर का अंडर द रूट एट प्लस नाइन नाइन इज थ्री डी बाई टू तो ये लेंथ हो गई थ्री डी बाई टू और ये लेंथ हो गई थ्री डी बाई टू तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया पाथ डिफरेंस हो गया थ्री डी बाई टू का डबल माइनस ऑफ डी दैट इज थ्री डी माइनस डी टू डी टू डी साथ में कहा है वेवलेंथ इज डी बाई टू लेडा इज डी बाई टू तो बेसिकली डी इज टू ले टू डी इज बेसिकली फोर लैमडा तो पाथ डिफरेंस तो है फोर लेमडा क्वेश्चन क्या बोल रहा था ऑटो पायलट पे कर दिया मुझे ऐसा लग रहा है मैंने

तो इसकी फेज हो जाएगी पाई प्लस पाई तो हम ये कहेंगे इसके कारण तो फेज डिफरेंस आएगा नहीं क्योंकि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एनडा लेकिन इसके कारण तो फेज डिफरेंस आना चाहिए था पाई का एक्चुअली नहीं आया क्यों क्योंकि ये साउंड वेव थी और क्योंकि ये साउंड वेव थी तो ये डेंसर मीडियम है और कार्डबोर्ड रेर मीडियम है तो ये वाला भी फेज फाइ रहेगा अब समझ में आया कि नहीं आया तो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेस जीरो हो जाएगा इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो दे दे द टू रेज आर एक्चुअली इन फेज अब ये कह रहा है कि उनको कितना इस कार्डबोर्ड को मिनिमम डिस्टेंस कितना शिफ्ट करूं अवे सो दैट रिफ्लेक्टेड वेव बिकम्स आउट ऑफ फेज विद द डायरेक्ट वेव मैंने कहा यार अभी तो इन फेज है आउट ऑफ फेज हो जाए आउट ऑफ़ फेज़ कब हो जाएगी जब इसको इधर लेके जाओगे तो पाथ डिफरेंस बढ़ेगा और पाथ डिफरेंस इसको एक्स लेके गए तो पाथ डिफरेंस बढ़ते बढ़ते इतना हो जाना चाहिए अभी कितना था? 4 ना? आउट ऑफ़ फेज़ करने के लिए होना चाहिए अगला इट गाइज right, तो मैं कहूंगा अब कुछ नहीं करना सॉल्व करना पड़ेगा दोबारा से इक्वेशन बना के छोड़ रहा हूं मैं इक्वेशन बना के छोड़ रहा हूं इक्वेशन बनेगी टू टाइम्स अंडर द रूट ऑफ रूट टू डी प्लस एक्स का स्क्वेर प्लस डी स्क्वेर बाई फोर माइनस डी शुड बी फोर पॉइंट फाइव लेमडा गॉट इट एक्स निकालना है समझ में आया कि नहीं आया ये फोर लेमडा निकालना भी जरूरी था अगर ये फोर लेमडा नहीं निकाला होता तो तुम्हें क्या पता कि फोर पॉइंट फाइव लेमडा करना है अगर ये फोर लेमडा की जगह फाइव लेमडा आता और आउट ऑफ फेस करना होता तो तुम्हें क्या करना पड़ता 5. 5 करना पड़ता? राइट right? सबको समझ में आया कि नहीं आया एवरीबडी तो माइनस भी, भी तो कर सकते अवे बोला है अवे अभी बोलोगे तो पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा तो फोर लेमडा से अगला फोर पॉइंट फाइव ही होगा अगर वो बोलता कितना मिनिमम पास लेके आऊं दैट वुड बी नाइस डिफरेंट क्वेश्चन कि कितना डिस्टेंस पास लेके आऊं से वाई वापस पास लेके आओ सो देट कि दोबारा क्या हो जाए आउट ऑफ फेज हो जाए अभी तो इन फेज था आउट ऑफ फेज हो जाए तो उसमें बन जाएगा टू टाइम्स रूट रूट टू डी माइनस वाई स्क्वेयर प्लस डी बाई टू का स्क्वेयर माइनस डी शुड बी थ्री पॉइंट फाइव लेमडा वो ये भी पूछ सकता था इसको कितना मिनिमम डिस्टेंस और दूर लेके जाऊं कि अगेन इन फेज ही रहे तो इसको फोर पॉइंट फाइव लेमडा की जगह लिख देना फाइव लेमडा कुछ कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है एक क्वेश्चन के ऊपर नहीं देखना है क्या नहीं करना है <laughs> यही तो करते आ रहे हैं हम इतनी देर से हाँ थिंक uh, बक्स देना चाहिए दैट वुड बी नाइस